हाँ जी, गुड इवनिंग। तो डेरिवेटिव का पहला पार्ट था जिसमें हमने ऑप्शंस पढ़ा, और दूसरा पार्ट है करीब करीब 2 घंटे के आसपास जाएगा जिसमें हम फॉरवर्ड और फ्यूचर पढ़ें। बात हुई थी कि मैं आपके जो डाउट्स हैं, डाउट्स वो जो डाउट्स है आपके वो लाइव लेने वाला था आज, और साथ में टेस्ट पेपर भी देने वाला था। कुछ बच्चों का ये कहना था कि सर जूम में हम डायरेक्ट आपसे डाउट्स पूछ सकते हैं, तो वो भी अच्छा, जूम मीटिंग में भी काम कर लेंगे, लेकिन आज अभी ये डेरिवेटिव अपलोड हुआ है, ठीक है, आज तो कंप्लीट होगा रात में आपका जैसे तैसे। कल कोई वीडियो नहीं, कल संडे है, कल सुबह एक्चुअली वीडियो तैयार नहीं है, जो है वो मैंने रात में डाल दिया, पर कल रात को मैं डाउट्स के लिए लाइव भी रहूंगा, जूम मीटिंग में भी रहूंगा। जिसको लाइव सीधा फेस टू फेस डाउट्स पूछना है तो पूछ सकते हैं, और दूसरा यूट्यूब में तो रहूंगा ही रहूंगा लाइव, ठीक है। कोशिश ये करना कि डाउट्स मुझे एडवांस में ही सेंड कर देना सर। उसकी वजह ये है कि मुझे किस तरीके से समझाया जाए आपको ये पहले से पता रहेगा, तो मुझे ज्यादा समस्या नहीं होनी है, कोशिश करना ऐसा, बाकी आपकी मर्जी है। तो आज क्लास होगी, कल सुबह, कल पूरा दिन का टाइम है आपके पास, डेरिवेटिव खत्म करो। कल शाम को मैं लाइव रहूंगा जिसपे आप मुझे डेरिवेटिव से, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव से रिलेटेड डाउट्स पूछोगे। जूम मीटिंग भी कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन रहेगा आपके पास। और उसी कल जब आपका हो जाएगा डेरिवेटिव, तो कल ही मैं शाम को जब मैं लाइव रहूंगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन पेपर भी डाल, और उसके अगले दिन सुबह इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट है, तो उसका भी, उसका और उससे रिलेटेड जो भी है उसका भी मैं आपको सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा, ठीक है सर। तो चले स्टार्ट करें। यस, तो ऑप्शन खत्म हुआ है हमारा, और अब जो बात हो रही है वो बात हो रही है हमारा फ्यूचर को। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बात, और कहने वाली बात नहीं है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सीरियसली बता रहा हूं, ठीक है जी। तो भाई इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा, 2-4 मिनट ज्यादा लग जाए तो समस्या नहीं, पर करेंगे अच्छे से। तो है क्या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं है। अगर मैं कहूं एक पर्सन है राम और एक पर्सन है श्याम, राम श्याम आज रिलायंस के शेयर का प्राइस है 500, और आज से 3 महीने बाद क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है सर? अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। किसी को ऐसा लगता है कि यार शेयर का प्राइस बढ़ सकता है, किसी को ऐसा लगता है कि शेयर का प्राइस कम हो सकता है। इसको लग रहा है कि शेयर का प्राइस बढ़ सकता है, इसको लग रहा है कि शेयर का प्राइस कम हो सकता है, तो इन दोनों के बीच में शर्त लग जाती है। ये जो शर्त लगाता है कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा, वैसे इसको बोला जाता है लॉन्ग पोजिशन, और इस ये जो बैटिंग कर रहा है इसको बोला जाता है शॉर्ट पोजिशन, लॉन्ग पोजिशन शॉर्ट पोजिशन। इट मीन्स अगर देखा जाए तो ये सीधा सीधा शर्त लगा रहा है जिसको बोलते हैं हम अपसाइड बेटिंग, और ये जो शर्त लगा रहा है इसको बोला जाता है डाउन साइड बेटिंग। अपसाइड बेटिंग, डाउन साइड बेटिंग, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत। अब शेयर का प्राइस अगर 3 महीने में, मान लो 3 महीने बाद सर अगर 550 हो गया, तो कौन जीत गया? सर राम जीत गया, कितने रुपए का फायदा हो गया? 50। तो श्याम राम को 50 रुपए दे देगा, बात खत्म, सिंपल। सर शेयर का प्राइस अगर मान लो 430 हुआ, 550 नहीं हुआ, 430 हुआ, तो ये तो कह रहा था कि 500 से ऊपर जाएगा, इस कंडीशन में ये इसको 70 रुपए दे देगा, दैट्स इट, दिस इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। बुक में बहुत कुछ लिखा है, मैं बुक की लैंग्वेज पे नहीं जा रहा। कॉन्ट्रैक्ट टू बाय, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, जमाने भर का पढ़ सकते हो भैया, क्वेश्चन बनाने, क्वेश्चन बन जाए। लेकिन ये शर्त अगर कोई और खिलाता है
बीच में अगर स्टॉक एक्सचेंज ये काम करवा रहा है, बीच में हो स्टॉक एक्सचेंज, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या हो जाता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सर अगर मैं कहता हूं कि चलो राम ने शर्त लगाया कि 500 से बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, 3 महीने बाद, अगर बीच में ही शेयर का प्राइस 530 हो गया, बीच में ही शेयर का प्राइस 530 हो गया, 530 हो गया, और तो क्या बीच में ही श्याम से राम मांग सकता है या सौदा काटा जा सकता है? आप कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, कितना जीता, 30 रुपए अगले ही दिन, चाहो तो आज 500 है, शर्त लगा है 3 महीने का, लेकिन अगले ही दिन 530 हो गया, तो चाहो तो 30 रुपए हम ले सकते हैं, यहां तक ठीक है, 30 रुपए लेके हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मार्जिन, वो मुझे आपको समझाना है, तो वो मैं आपको समझाऊंगा जब मार्जिन करवाऊंगा तब। तो अगर मैं कहूं पहले जो लिखा है, सिंपल सी बात है, ये जो लिखा है मैंने किस किस के विषय में लिखा है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, कुछ लिखा नहीं है स्पेशल। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओवर द काउंटर होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपका स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है, बस। क्या इसे थियरी आ सकती है, चांसेस बहुत कम है। और कितनी पार्टी होती है, दो, एक फ्यूचर बायर होता है। अगर मैं फ्यूचर बायर मतलब मैं किसकी बात कर रहा था सर, आप राम की बात, बायर जिसका पोजीशन कौन सा होता है, लॉन्ग पोजीशन होता है सर। एक कौन होता है, फ्यूचर सेलर, जिसका पोजीशन क्या होता है, शॉर्ट पोजीशन होता है, ये डाउनसाइड बेटिंग करता है और ये अपसाइड बेटिंग करता है। कोई दिक्कत है कि यहां तक, चलो जी आगे और बात करो। और फिर मैंने सीधी सीधी डाउनसाइड बेटिंग और एक अपसाइड बेटिंग, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के विषय में अंतर समझाया था, थ्योरेटिकल पॉइंट है वो, अंतर हमारे काम। एक और शब्द सुना होगा आपने जिसका नाम होता है स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक इंडेक्स, स्टॉक इंडेक्स सर, स्टॉक इंडेक्स, स्टॉक इंडेक्स का मतलब रफली बोलूं तो निफ्टी या सेंसेक्स। क्या निफ्टी या सेंसेक्स खरीदा या बेचा जा सकता है? नहीं, एक्चुअल में फिजिकल डिलीवरी नहीं होती है। पर क्या निफ्टी या सेंसेक्स में शर्त लगाया जा सकता है? हाँ, बस कुछ नहीं है, निफ्टी या सेंसेक्स में भी शर्त लगाया जा सकता है, दैट्स इट। ये समझाने वाली बात होती है जब रेगुलर क्लास या फिर एग्जाम ओरिएंटेड क्लास मेरी चल रही है, तो रिवीजन चल रहा, तो ये काम आपके नहीं आएगा। बस आपको पता होना चाहिए कि एक निफ्टी होता है, एक सेंसेक्स होता है, और भी बहुत सारे इंडेक्स होते हैं। हमारे लिए काम की चीज है न्यूमेरिकल पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें एक हमें पढ़ना है मार्जिन, दूसरा फ्यूचर वैल्यूएशन, जैसे ऑप्शन वैल्यूएशन था ना, ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, जिसमें हमने बायनोमियल किया था, पुट कॉल पैरिटी था, बीएसएम था, इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें सिर्फ एक ही मॉडल है, कॉस्ट टू कैरी मॉडल, या कुछ उसे कॉस्ट टू कैरी मॉडल बोलते, बस। एक बीटा मैनेजमेंट है, या बोलते हैजिंग थ्रू फ्यूचर, और एक है कमोडिटी फ्यूचर, दैट्स इट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी क्या है, आईसीएआई का फोकस इस पे ज्यादा चल रहा है, तो इस पार्ट के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रखे इस वाले पार्ट के, ताकि यार हमको, और सुनो पता नहीं आजकल मार्जिन भी पूछा जा रहा है, वैसे मैं मार्जिन का एक ही क्वेश्चन रखने वाला था, पर यार पिछले अटेम्प्ट में भी मार्जिन का क्वेश्चन आया था, तो मैं कहता हूँ चलो यार दो क्वेश्चन रख लेते, तो मार्जिन के मैंने टोटल 2 क्वेश्चन रखे हैं। ये सिंपल एवेल्यूएशन ऑफ फ्यूचर, पर इसके भी क्वेश्चन डाल रखे हैं। बीटा मैनेजमेंट, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बीटा मैनेजमेंट हमको अच्छे से करना होगा। ऑप्शन के कंपैरिजन में फ्यूचर ज्यादा इजी है, ये मेरे बच्चों का कहना है कि सर फ्यूचर ज्यादा इजी है ऑप्शन से तुलना की जाए, तो चलो अच्छी बात। तो सबसे पहले हम टाइम खराब ना करते हुए किस बात को पढ़े, मार्जिन। सर ये मार्जिन क्या है,
ये तो समझाना पड़ेगा। एक पर्सन इसका नाम मैंने क्या रखा था, राम, और इसका क्या रखा था, श्याम। इसको लग रहा है शेयर का प्राइस बढ़ेगा, इसको लग रहा है शेयर का प्राइस कम होगा, और दोनों जो शर्त लगा रहे हैं वो किसके थ्रू लगा रहे हैं सर, वो लगाए लगा रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के साथ। बात करते हैं, अब शर्त ये है, आज शेयर का प्राइस कितना है 500, तो इसको लग रहा 500 से बढ़ेगा। आज की डेट कौन सी है सर, आज की डेट है 1 जनवरी, 3 महीने बाद का लग रहा है 31 मार्च। अब यहाँ अपना प्रोविजन मत लगा देना सर लास्ट थर्सडे वर्सडे, वो नहीं सुनना है, मुझे सुनना ही नहीं है। मार्केट का अगर नॉलेज है तो प्लीज अपने पास रखो, यहाँ तो हमको पास करना है, एक बार पास हो जाओ तो मार्केट में खेल लेना 31 मार्च, ठीक है। तो इसका ये कहना कि यार शेयर का प्राइस बढ़ेगा 500 से, इसका कहना 500 से कम होगा, लेकिन क्या करना है, कितने, क्या एक शेयर में बैटिंग की जाएगी, नहीं, इसमें कुछ लॉट साइज होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैं कह रहा हूं कि चलो जी 1000 शेयर पे बैटिंग की गई, 1000 शेयर, यहां तक ठीक है जी, यस। तो 1000 × 500, 5 लाख का। अब यार मान लो शेयर का प्राइस बढ़ के कितना हो गया 550, 550 हो गया, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है शेयर का प्राइस बढ़ के 510 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। अगले ही दिन 2 तारीख को शेयर का प्राइस बढ़ के 510 हो गया, या फिर 31 मार्च को 510 हुआ, ऐसे समझ। राम जीता कितने रुपए से जीता, एक शेयर पे 10 रुपए जीत गया, 1000 शेयर है तो 10000 रुपए जीत गया, कौन, राम। राम को कहना भाई अभी पैसे चाहिए मुझे, बंद करो ये काम, बंद कर सकते हैं। 10000 राम किससे लेने जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज, क्या स्टॉक एक्सचेंज अपनी जेब से देगा, नहीं, वो किससे मांगेगा, श्याम से। और जरूरी थोड़ी ना है कि उस समय श्याम के पास पैसे हो, श्याम तो कहेगा माई बाप मेरे पास तो पैसे नहीं। समस्या ये है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में काउंटर पार्टी डिफॉल्ट कर सकती है, बीच में एक फंसा है स्टॉक एक्सचेंज, श्याम मना कर सकता है, राम को पैसे कहां से देगा स्टॉक। इसी वजह से, क्योंकि काउंटर पार्टी डिफॉल्ट ना करे, इसी वजह से यहां से राम से भी कुछ स्टॉक एक्सचेंज पैसे जमा करवा लेता है और श्याम से भी कुछ पैसे जमा करवा लेता है। ये आपको दिया रहेगा, आप चिंता मत करो, 500 × 1000, 5 लाख का 8%, 40000 रुपए यहां जमा करवा लिए गए। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसके अकाउंट में भी 40000 रुपए जमा करवा लिए गए और इसके अकाउंट में भी 40000 रुपए जमा करवा लिए गए, ठीक है, ठीक है सर। अब यार ऐसा हो गया, मान लो शेयर का प्राइस 500 से, इसको जो जमा करवाते ना उसको बोला जाता है इनिशियल मार्जिन, इनिशियल मार्जिन, और एक शब्द सुना होगा आपने मेंटेनेंस मार्जिन, और मेंटेनेंस मार्जिन रखना है 30000, मेंटेनेंस मार्जिन रखना है 30000, ठीक सर। मेंटेनेंस मार्जिन होता क्या है वो मैं यही समझाता हूं। चलो शेयर का प्राइस 2 तारीख को बढ़ के हो गया 505, तो बोलो 5000 रुपए से जीता, कौन जीत गया, राम। तो क्या करता है स्टॉक एक्सचेंज, इसके अकाउंट में 5000 प्लस कर देता है और इसके अकाउंट से 5000 माइनस कर देता है, तो इसका टोटल कितना हो गया 45000 और इसका टोटल कितना हो गया 35000, ठीक है सर, बात समझ में। 35000, इट मींस इसको बोला जाता है मार्क टू मार्केट, मार्जिन अकाउंट में, मार्जिन अकाउंट का मार्जिन के बैलेंस में चेंज होते रहता है। सर मान लो 2 तारीख है, अगर 3 तारीख को शेयर का प्राइस मान लो 501 हो गया तो क्या करेंगे, फिर इससे कम और 501, इसको बढ़ा रहा हूं सॉरी, 509 हो गया, तो अब ये 4000 से जीता, यहां से कंपैरिजन करना, इस वाले प्राइस से नहीं करना, तो यहां 4000 क्या हो जाएगा प्लस और यहां से 4000 माइनस हो जाएगा, तो यहां कितना हो जाएगा 41000 और यहां कितना हो जाएगा 49000 और यहां कितना हो जाएगा 31। अभी भी इसको समस्या नहीं है श्याम, क्योंकि इसको मिनिमम कितना मेंटेन करना है 30000 और 31 तो है, जब प्रॉब्लम कहां जाएगी तब 30000 से नीचे जाएगा,
चलो सर नीचे करते हैं, अगली तारीख को 3 मार्च को शेयर का प्राइस सर और बढ़ा, और बढ़ के 511 हो गया, तो सर इसको तो 2000 का प्रॉफिट हो गया, और इसको तो सर 2000 का लॉस हो गया सर, तो इसका मार्जिन तो अब 29,000 ही हो गया, ये समझने वाली बात है बस। इसका मार्जिन 2000 लॉस हो गया, माइनस कर दिया मैंने 2000 लॉस, तो इसका तो 29,000 हो गया, और मेंटेन कितना करना है 30,000। तो अब स्टॉक एक्सचेंज फोन लगाएगा, किसको फोन लगाएगा, श्याम को, कि भैया मार्जिन लेकर आओ, इसको बोलते मार्जिन कॉल, मार्जिन कॉल किया जाए, और मार्जिन कॉल कितना किया जाएगा यहां बच्चों को दिखा सर, 1000 कॉल किया जाएगा, 1000 नहीं, वापस आपको कहां तक पहुंचना पड़ेगा इनिशियल, इट मीन मार्जिन कॉल किया जाएगा कितना, 11,000 रुपए कॉल किया जाएगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, आप मार्जिन लेकर आइए श्याम, और जो मार्जिन बुलाया जा रहा है उसका नाम होता है वेरिएशन मार्जिन बस, और लास्ट में फिर जब चाहे तब आप बाहर निकल सकते हो, ये मैं आपको डिटेल में समझाया हुआ हूं, पर इसके क्वेश्चन आते तो मैं वो क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूं, ठीक है जी। तो सब कुछ समझा चुका हूं, इनिशियल मार्जिन क्या होता है, मेंटेनेंस मार्जिन क्या होता है, और वेरिएशन मार्जिन, मार्जिन आप विड्रॉ भी कर सकते हो, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम नो विड्रॉल वाली बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, इनिशियल मार्जिन कैसे निकाला जाता है ये एक क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाऊंगा, अगर ना दिया हो तो हम कैसे निकालें। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाइए, बात करेंगे मार्जिन 32। क्या लिखा जरा देखते हैं, ऑन 31/8/2021 मिस्टर आर हैज टेकन, कौन सा पोजीशन लिया है, लॉन्ग पोजीशन, मिस्टर आर के लिए बात हो रही है, मतलब इसको लग रहा है कि प्राइस जो है वो 17,300 से ऊपर जाएगा, 17,300 से ऊपर जाएगा, कितने लॉट लिया है, 2 लॉट लिया, 1 लॉट में कितना यूनिट है, 50 यूनिट, 1 यूनिट का प्राइस कितना, 17,300, टोटल पैसा कितना लगा जरा देखते हैं सर, 17,300 एक यूनिट का प्राइस, टोटल यूनिट्स कितना है 50, और लॉट कितना है 2, तो टोटल पैसा कितना लगा, 17,300 × 50 × 2, तो सर 17,30,000 रुपये लगा, ठीक, क्यों काम है, क्योंकि उसमें लिखा है इनिशियल मार्जिन 10% लेना है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का, इसका 10%, तो बोलो इनिशियल मार्जिन कितना जमा करना पड़ेगा सर, 1,73,000, और मेंटेनेंस मार्जिन इनिशियल का 80%, इसका इनिशियल मार्जिन हो गया, और मेंटेनेंस मार्जिन 1,73,000 का 80%, 1,38,400, इसको बोला जाता है मेंटेनेंस मार्जिन, 38,400 है, कोई दिक्कत नहीं, ये निकाल लिया, एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन, दिसंबर 2000 बोले क्लोजिंग प्राइस 5 डेज का, याद रखना आपको सिर्फ क्लोजिंग प्राइस देख दिया, किसी क्वेश्चन में ओपनिंग भी दे सकता, हाईएस्ट लोवेस्ट ऐसा सब टाइम पास करता है, हमको टाइम पास नहीं करा, हमें सिर्फ क्लोजिंग प्राइस देख, पास शर्त लगी थी 31/8 को 1-9 को, आप क्या भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि बढ़ना चाहिए, और क्या यहां बढ़ गया, वाओ बढ़ गया, कैसे पता लगा बढ़ना चाहिए, लॉन्ग पोजीशन है तो अब प्रॉफिट हो रहा ना, तो कितना प्रॉफिट हो रहा उस दिन ये निकालना पड़ेगा, बोलो कितने का फायदा सर, 40 रुपए का फायदा, कितना यूनिट्स है 50, और कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं, तो इस तरह से निकालो, 40 का फायदा आपको दिख रहा हो, 40 का फायदा 50 यूनिट और 2 लॉट है, तो 40 × 50 × 2, तो 4,000 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, तो 4,000 आपका जो मार्जिन है उसमें ऐड कर दीजिए, बस ये काम चलते रहते हैं। अगले दिन हो गया प्राइस कम 17,180 सर, इससे कंपैरिजन कभी नहीं करना है, पिछले प्राइस से कंपैरिजन करना है, ठीक, तो क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द डेली बैलेंस इन द मार्जिन अकाउंट एंड पेमेंट ऑन मार्जिन कॉल इफ एनी, तो चलो मार्जिन अकाउंट बना,
तो हमने इनिशियल मार्जिन निकाल लिया था हम लोगों ने, मेंटेनेंस मार्जिन निकाल लिया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो ये इस तरह से बनेगा हमारा मार्जिन का। डे 31/8 को शर्त लगी थी जब प्राइस कितना था 17,300। तो मार्जिन टोटल बैलेंस कितना था 17,300, 1,73,000 हमारा इनिशियल मार्जिन आया। प्रॉफिट हुआ तो बढ़ के कितना हो गया हमारा 1,77,000। लॉस हुआ यहाँ 16,000 का लॉस, लॉस ही हुआ। तो बैलेंस कितना बचा 1,61,000। याद रखना मेंटेनेंस मार्जिन है 138,400, जब जाएगा ना उससे नीचे जाएगा तो समस्या। फिर उसके बाद क्या हो रहा, फिर लॉस हो गया तो ये बचा 1,42,000। अब समझने वाली बात, सर 9,000 का और लॉस हो गया तो 1,42,000 में से 9,000 माइनस करो, 1,42,000 माइनस 9,000, तो सर उस हिसाब से तो 1,33,000 ही बचना चाहिए। यस, क्या ये इससे नीचे चला गया? यस। तो मार्जिन कॉल किया जाएगा, कितना कॉल किया जाएगा, वापस हमें इस बैलेंस तक पहुंचाना पड़ेगा, मतलब माइनस 1,73,000। तो मार्जिन कॉल किया जाएगा 40,000 रुपए, मिसप्रिंट है उसको 40,000 रुपए कर दीजिए। थोड़ा बहुत मिसप्रिंट होगा, जल्दबाजी में नोट्स तैयार है तो आप मैनेज करोगे मुझे पूरी। सर उसके बाद 22,000 का प्रॉफिट है तो फिर आप 1,95,000। अब कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मार्जिन। और क्या मांगा है उसने, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस मांगा है क्या? कंप्यूट द गेन और लॉस इफ मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर्ड ऑफ ऑन 7/9। बोले यही हमने कॉन्ट्रैक्ट, हम बाहर निकल गए तो ठीक है। अब प्रॉफिट लॉस कैसे निकालोगे, हमने पैसा लगाया था 173,000 ये लगाया था और 40,000 ये लगाया, और हमारे पास लास्ट में स्क्वायर करोगे तो ये पैसा वापस मिल जाएगा 1,95,000। तो इस तरह से प्रॉफिट और लॉस निकालोगे। 1,95,000 एंडिंग मार्जिन है, उसमें से इनिशियल माइनस किया तो 22,000, उसमें से मार्जिन कॉल हुआ, तो आप किसी भी तरह से निकाल सकते हो। कुछ बच्चों का तो ये कहना हम टाइम पास करें ही क्यों सर, हम सीधा सीधा भी तो कर सकते थे ना कि सर जब हमने बैटिंग किया था 17,300 से बढ़ना चाहिए था, पर हो गया ऐसा 17,120, तो उस हिसाब से लॉस हो रहा है। यस, इनटू 50 इनटू, तो सीधा सीधा प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा सर ही। 17,300 माइनस 17,120 इनटू 50 इनटू, तो आंसर आ गया 18,000 रुपए का लॉस। ऐसे कर सकते हो, मतलब सीधा ये वाला वैल्यू लेना है और देखो बढ़ना चाहिए हो गया कम, तो डिफरेंस इनटू जो करना है कर। गेन और लॉस निकालिए, अगर आपका कौन सा पोजीशन होता, शॉर्ट पोजीशन होता, मतलब यहां बढ़ने का बैटिंग नहीं होता कम होने का बैटिंग होता, तो ये तो आप कर ही सकते, मेरे ख्याल से कर लोगे कोई समस्या नहीं है। और यहां प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि कम हो गया, प्रॉफिट हो जाएगा। मैं कम होने पे बैटिंग, बढ़ने पे बैटिंग, ये आप कर लोगे, इस पे हम ज्यादा समय ना खराब करें तो ज्यादा ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था जो आपको करना है, और एक क्वेश्चन ये वाला है जो किसी जमाने से आपके स्टडी मैट में है, किसी जमाने से बोल रहा हूं, बहुत पहले से आपके स्टडी मैट में डला हुआ है, तो इसकी भी इज्जत करना पड़ेगा। हालांकि ये क्वेश्चन तो ज्यादा आसान। सेंसेक्स फ्यूचर आर ट्रेडेड, क्वेश्चन नंबर 34 की मैं बात करूं, अगर आपके पास एग्जाम ओरिएंटेड बुक है तो उसे ओपन कर सकते हो। सेंसेक्स फ्यूचर आर ट्रेडेड एट ए मल्टीपल ऑफ 50, मल्टीपल ऑफ 50 लिखा। कंसीडर द फॉलोइंग कोटेशन ऑफ सेंसेक्स फ्यूचर इन 10 ट्रेडिंग डेज। ये डेज दे रखा है, हाई हमारे काम का नहीं है, लो हमारे काम का नहीं है, हमारे लिए काम का है क्लोजिंग बैलेंस। लिखा अभिषेक बॉट, बॉट शब्द का मतलब क्या हो गया, बॉट का मतलब हो गया सर लॉन्ग पोजिशन, मतलब अपसाइड बैठे। सेंसेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन कब, 4 फेब को, 4 फेब को बात किया है कि 4 फेब का रेट ये है, इससे बढ़ेगा, इससे बढ़ेगा 3,296.50 से बढ़ेगा। ठीक है, कितने लॉट, 1 कॉन्ट्रैक्ट, 1 कॉन्ट्रैक्ट मतलब 50 नंबर में, नंबर ऑफ
निफ्टी या सेंसेक्स जो भी है 50। अब यार मार्जिन उसने सीधा नहीं दिया, मार्जिन के विषय में बोला द एवरेज डेली एब्सोल्यूट चेंज इन द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 10,000 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द चेंजेस 2,000, द मेंटेनेंस मार्जिन इज 75% ऑफ इनिशियल मार्जिन। बस इन शब्दों की वजह से मैंने ये क्वेश्चन किया। एक्चुअली जब मार्जिन निकाला जाएगा, जब मार्जिन निकाला जाएगा तो ये पूछा जाएगा मार्जिन के समय कि सर 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 मार्जिन कितना बुलाया जाए, कि यार बोले कितना मंगवाया, कितना जाए मार्जिन। स्टॉक एक्सचेंज सोचेगा ना कि यार तो भाई उतना मंगवाओ कि आपको लॉस ना हो। अगर दो एक आध दिन में लॉस हो तो कम से कम आप मंगवाने का टाइम तो हो, पता लगा इतना ज्यादा लॉस हो गया कि उसने सामने वाले ने जो मार्जिन दिया वो भी चला गया, उसके बावजूद भी लॉस है और आप सामने वाले से मांग रहे हो तो वो मना कर दे, एटलीस्ट इतना मंगवाइए। तो कितना, तो बोले आप पास्ट में जाइए और देखिए कितना चेंज हुआ है, एक दिन में कितना चेंज हुआ है। तो हमने एवरेज चेंज निकाला, हालांकि वो एब्सोल्यूट चेंज है जो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। आप चेंज देखिए सर, 10,000 रुपए का चेंज है, मतलब अगर ऑन एन एवरेज देखो तो 10,000 रुपए फ्लक्चुएट हो सकता है, तो 10,000 रुपया तो मंगवाई लो। तो 10,000 पक्का नहीं है, कभी 12,000 भी हुआ, कभी डेविएशन भी हुआ। तो बोले कितना डेविएशन हुआ, बोले 2,000 का डेविएशन है, तो चलो 2,000 वो भी मंगवा लो, और 2,000 नहीं इसका 3 गुना ज्यादा मंगवा लो। मतलब मार्जिन इतना मंगवा लीजिए कि आप परेशान ना होना पड़े स्टॉक एक्सचेंज को। अच्छा, तो मार्जिन इनिशियल मार्जिन का फॉर्मूला ये क्या है, एवरेज म्यू प्लस ये क्या है डेविएशन, और इससे कितना गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा। और मेंटेनेंस कितना कर लेना, 75%, इट मींस 10-16,000 रुपए यहां इनिशियल मार्जिन आए और उसका 75% किया जाएगा मेंटेनेंस। ठीक है जी, ठीक है सर। और यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन डेली बैलेंस इन द मार्जिन, तो अब बनाया होगा क्वेश्चन, ये फॉर्मूला याद रख लेना इस क्वेश्चन को। आजकल तो यार परसेंटेज दिया रहता 8%, 10%, और ये आ गया 12,000। अब बैटिंग है 3,296.50 रुपए से ऊपर जाए, ठीक है। और यहाँ कितना हो गया सर, यहाँ हो गया 3,294। क्या यहाँ ऊपर चला गया, नहीं सर, ये तो लॉस दिखाई दे रहा है। 3,296.105, हाँ ये लॉस है, यहाँ साइन लगा लेना लॉस का, यहाँ लगा नहीं है, आप लगा लीजिए कितना मैनेज करोगे। तो 16,000 में से ये कम हो गया 15,000। और यहाँ देखो लॉस लॉस होके यहाँ 12,695 बचा था, फिर लॉस हुआ 950। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट, 12,695 - 905 तो यार 11,790 ही बचा है। तो हमें क्या ये 12,000 से नीचे निकल गया, हाँ सर, तो वापस मार्जिन बुलाना पड़ेगा और कहां तक मेंटेन करना पड़ेगा, 16,000 - 16,000, तो मार्जिन बुलवाया जाएगा 4,210। इस पे नंबर मिलेंगे, इसको अच्छे से करना बस, ठीक ठीक है सर, दैट्स इट। तो इस क्वेश्चन को भी कर लोगे, दो क्वेश्चन आपको मार्जिन के करने। तो टोटल मिलाकर मैंने कहा यार मुझे ना फ्यूचर में चार चीजें पढ़ानी है, चार में से एक मार्जिन जिसके क्वेश्चन आजकल ज्यादा, दूसरा बात करेंगे वैल्यूएशन ऑफ फ्यूचर, इसके बाद तीसरी जो बात होगी वो किसकी होगी, बीटा मैनेजमेंट, जो तक कमोडिटी पूछ रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, वैल्यूएशन ऑफ फ्यूचर। चलो तो चले पार्ट ना पॉइंट नंबर 2 पे, जिसका नाम है मार्जिन खत्म हुआ। अब आता है हमारा थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस, मतलब है फ्यूचर का वैल्यूएशन। फॉर्मूले यूज है, पर अब समझने की थोड़ी सी कोशिश करो कि सर ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है वो बाद में समझ। अब मैं आपसे यहाँ कुछ कहना चाहता हूं, बस सुनोगे तो बात समझ में आ जाएगी, ये क्या फॉर्मूले बाद में समझेंगे, मैं फिर से बोल। कोई एक पर्सन है और उसको ऐसा लग रहा है कि रिलायंस के शेयर का प्राइस आज, इसको ऐसा लग रहा है कि आज से एक साल बाद क्या है, आज रिलायंस का शेयर का प्राइस है 500 और एक साल बाद 500 से बढ़ जाएगा, एक साल बाद 500 से बढ़ जाएगा। तो बता सकते हो कि इस पर्सन का नाम क्या है, राम। राम को क्या करना चाहिए, तो राम को शेयर खरीद के रख लेना चाहिए कितने में, 500 में, और फिर
एक साल बाद बेच देना चाहिए, बढ़ जाएगा तो कितने में बेच देंगे, मान लो 600 में बेच देंगे, बात खत्म। 500 में आज खरीदेंगे और 600 में बेच देंगे। इसके अलावा भी यहां एक है स्टॉक एक्सचेंज, और स्टॉक एक्सचेंज आपसे ये बोल रहा है राम से कि राम आज शेयर क्यों खरीद रहे हो, आज जो प्राइस है उसको बोला जाता है स्पॉट प्राइस। मतलब आज शेयर खरीदने की जरूरत नहीं, आज सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए और हम आपको स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज बोले एक साल बाद हम यही शेयर आपको 560 रुपए में दे देंगे, मन से लिखा 560। इस रेट को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फ्यूचर प्राइस। 560 रुपए में मुझे ये शेयर मिल जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कब करना होगा, आज। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, अगर आज शेयर खरीदूं तो मेरे जेब से कितना जाएगा, 500, लेकिन मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लूं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे जेब से आज कुछ नहीं जाने वाला, आज तो कुछ आएगा नहीं, लेकिन मुझे एक साल बाद शेयर मिलेगा, 600 का मैं बेच दूंगा पर 100 एक साल बाद कितने का मिल रहा, 560 का। तो सवाल बस इतना है, आज शेयर खरीद लेना चाहिए या फिर मुझे कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए। इसके लिए पिक्चर में बैंक होना जरूरी है, बैंक, और बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लो 10%। अब कंपैरिजन किया जा सकता है, अब पक्का कंपैरिजन किया जा सकता है। अब मैं सोच रहा हूं, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं तो मेरा क्या क्या बचेगा। आज मेरा 500 बचेगा प्लस, क्योंकि अगर मुझे शेयर खरीदना होता तो अपने जेब से नहीं लगाता, मैं बैंक से पैसे उधार लेता, या फिर मेरा बैंक में पैसा जमा होता तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बात समझने की कोशिश करो। इट मींस मुझे, अगर मैं कहता हूं आज मैं शेयर खरीदता हूं तो मुझे शेयर 500 का नहीं पड़ रहा, एक्चुअल में कितने का पड़ रहा, 550, 500 प्लस 50, मुझे 550 का शेयर पड़ रहा अगर आज खरीदता हूं इंटरेस्ट मिलाकर, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करता हूं तो 560 तो भाई स्टॉक एक्सचेंज नहीं, मैं 560 का आपसे नहीं खरीदूंगा। हाँ, मैं कितने में खरीदने के लिए तैयार हूं, 500 प्लस 50, 550। इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है वैल्यू, और ये क्या है, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस। एक्चुअल फ्यूचर प्राइस महंगा है कि सस्ता है, महंगा है सर, 550 से तो महंगा है, तो हम बोलते हैं कि फ्यूचर इज ओवर प्राइस्ड। ये क्या निकाला, ये वैल्यू निकालना, यही मुझे निकालना सिखाना, ठीक है। ठीक है सर, तो फाइनली बात समझ में आई, आज हम फ्यूचर में हम कितने का खरीद सकते हैं, जितना आज शेयर का प्राइस है और उस पर इंटरेस्ट अलग चुके। एक बात और, बीच में डिविडेंड भी तो मिलेगा, डिविडेंड कब मिलेगा सोच समझ के बोलना। अगर मैं एक्चुअल में शेयर खरीद लेता हूं तो डिविडेंड मिलेगा, या फिर मैं शेयर नहीं खरीद रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं तो डिविडेंड मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट पे कोई डिविडेंड नहीं मिल रहा, अगर आप वाकई शेयर खरीदते हो तो आपको डिविडेंड मिलेगा। इट मींस आज शेयर खरीदने में 500 जाएगा, इंटरेस्ट भी जाएगा, लेकिन एक फायदा भी तो है, किस चीज का, डिविडेंड का, और डिविडेंड का 20 रुपए का फायदा है। तो टोटल मिलाकर शेयर खरीदने पे मुझे 530 पड़ रहा है कॉस्ट। समझने की कोशिश करो मैंने कैसे निकाला। मैंने ऐसे निकाला कि अगर हम आज शेयर नहीं खरीदते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो मैं कितना पैसा देने को तैयार हूं इस कॉन्ट्रैक्ट का। एक तो मैं देने को तैयार हूं शेयर का प्राइस, स्पॉट प्राइस, प्लस कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से मेरा इंटरेस्ट बच जाएगा, इंटरेस्ट सेव्ड, पर उसकी वजह से, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मुझे जो डिविडेंड मिलने वाला था वो डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं शेयर नहीं खरीदता हूं तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो टोटल मिलाकर मुझे 530 रुपए का शेयर पड़ रहा है, तो मैं मैक्सिमम यहां 530 दे सकता हूं, दिस इज वैल्यू। ये कौन सा प्राइस है सर, इसको बोलते हैं थ्योरिटिकल फ्यूचर प्राइस, थ्योरिटिकल फ्यूचर प्राइस। अब मैंने कहा अब बोलो कॉन्ट्रैक्ट, बोले कॉन्ट्रैक्ट भाई साहब 540 में होगा। मैंने कहा नहीं खरीदना, मुझे फ्यूचर नहीं खरीदना, फ्यूचर इज ओवर प्राइस्ड क्योंकि वैल्यू से ज्यादा, तो मैं शेयर ही खरीदूं ज्यादा अच्छा।
अगर ये बोलता कि नहीं 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 ऐसा है कि 510 में खरीद दो भाई, 510 हम आपको 510, मैंने कहा अब मैं तैयार हूंगा, फ्यूचर इज अंडरप्राइस, यही पढ़ा था हम लोगों ने। तो सर फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला स्पॉट प्राइस प्लस इंटरेस्ट सेव्ड माइनस डिविडेंड फॉर्मूला। ओके, तो यहां क्या लिखा पढ़ते, एफ स्पॉट प्राइस प्लस इंटरेस्ट सेव्ड माइनस डिविडेंड फॉर्मूला। तो ये किस कौन सी मॉडल है, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल। और ये जो एफ निकाल रहा है ये एफ एक्चुअल एफ नहीं है, ये है थियोरिटिकल फ्यूचर प्राइस। अगर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस ज्यादा है तो हम इसको क्या बोलते हैं, ओवर प्राइस्ड। अगर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कम है तो इसको हम बोलते हैं कि यार फ्यूचर इज अंडर प्राइस्ड। सपोज 500 है, इंटरेस्ट है 10%, पीरियड है 1 साल और डिविडेंड है 40 रुपए, तो ये आ गया 500, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर एफ निकाल, ऐसे भी तो निकाल सकते, एफ इज इक्वल टू 500 1.10 माइनस 40, तो भी तो 510 आएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते, एफ जो निकाल रहे वो क्या है, थियोरेटिकल। हमें डिसाइड क्या करना है, हमें ये डिसाइड करना है हम लोगों को आज खरीदना स्पॉट पे खरीदना है कि फ्यूचर पे खरीदना है। ये लाइन जो लिखी हुई है नीचे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ जरा देखते हैं। इफ एक्स, ये क्या निकाला, ये निकाला आपने थियोरिटिकल एफ, थियोरिटिकल एफ है ना। अगर एक्चुअल 550 है तो इसको हम क्या बोलते हैं कि यार एक्चुअल फ्यूचर प्राइस ज्यादा है, इसको क्या बोलेंगे, ओवर प्राइस्ड। और ऐसे ही क्या बोला जाएगा, अंडर प्राइस। तो सबसे पहला काम होगा इसमें दो चीजें करनी, एक तो आर्बिट्रेज करना है, थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट करना सीखना, और एक आर्बिट्रेज करना है, दो चीजें करना बस, उसके बाद बीटा मैनेजमेंट है, उसके बाद कुछ स्पेशल। तो सबसे पहला काम है कि हम एफ निकालना सीखें, थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस कौन सा मॉडल है, सिर्फ एक ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल, स्पॉट प्राइस है 500, फेस वैल्यू है 100, पीरियड है 6 मंथ, याद रखना डिविडेंड रेट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, आपको निकालना थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस। तो एफ तो ठीक है 500 स्पॉट प्राइस, अब हमें क्या निकालना, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे ध्यान रखना, इंटरेस्ट का रेट है 10%, तो 6 महीने का कितना जाएगा, 5%, मैं मान के चल रहा हूं कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग। तो सर ये आ जाएगा 20 रुपए डिविडेंड, ये 500 1.05 डिविडेंड रेट दिया है। अगर डिविडेंड रेट दिया, ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर डिविडेंड का रेट दिया है 20%, तो किस पे निकाला जाएगा, फेस वैल्यू किस पे नहीं निकाला जाएगा, मार्केट प्राइस पे इसको निकाला जाएगा, 100 रुपए का 20%। और इसको 6/12 मत कर देना, डिविडेंड रेट कभी भी पीरियोडिकल नहीं होता है, ठीक। बात क्या है, अगर डिविडेंड रेट दिया है, ठीक है, फिर तो एफ निकालना बड़ा आसान है, आंसर कितना जाएगा 5। अगला एग्जांपल ले ले, एग्जांपल नंबर 8 एक बार देख ले, 500 6 मंथ, शब्द क्या लिखे हुए हैं, शब्द लिखे डिविडेंड यील्ड। अगर डिविडेंड यील्ड लिखा है तो कभी भी वो फेस वैल्यू का नहीं निकाला जाता, कभी भी वो मार्केट प्राइस का निकाला जाता है, और डिविडेंड यील्ड दिया है तो आपको पीरियोडिकल करना है, ठीक। तो रेट कितना है, 10%, तो 6 महीने का 5%। तो ध्यान से देखना, डिविडेंड निकाला 500 का 5% 6 महीने का, तो आंसर आ गया 12 रुपए 50 पैसे। अब मैं काम क्या कर रहा हूँ, 5 × −, तो आंसर आ गया 12 रुपए 50 पैसे। अल्टरनेटिव है, ये अल्टरनेटिव आप कैसे कर सकते हो, ये फॉर्मूला सुनना, ये फॉर्मूला क्या कहना चाहता, यहाँ मैथ्स के हिसाब से थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, आप उसकी चिंता मत करो, तो बच्चे ना यहाँ मैथ्स वैथ्स से बोल रहे हैं। अब मेरी मेरी बात सुनो ध्यान से, 10% किस पे लगाया जाता है, 500, और 5% भी किस पे लगाया जाता है, 500। तो जब जब शब्द आएगा डिविडेंड यील्ड, तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, 500 इन सर
ये भी पीरियोडिकल होता और ये भी पीरियोडिकल होता है, तो सर हम ऐसा कर सकते हैं कि 0.1 माइनस 0.05 ठीक है, और इनटू 6 महीने का सीधा कर लेते, आखिर ये बढ़ाएंगे 10% से और 5% से, क्योंकि दोनों का कैलकुलेशन 500 पे ही करना है, तो हम सीधा सीधा नेट कर लेते हैं ना यार, सीधा 5% ले लेते हैं, मतलब ये आ गया 0.05 × 6/12, तो सर ये आ गया 1.025। क्या ऐसा सीधा भी कर सकते, सीधा भी कर सकते, और सीधा करने से भी आंसर कितना जाएगा 512.50 रुपए। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसे हल्के में मत लेना, अगर डिविडेंड यील्ड दिया है तो आप सीधे रेट में से माइनस कर सकते। एग्जाम्पल नंबर 20, मैं वही एग्जाम्पल करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड बुक में, जो मेरे काम के, अननेसेसरी में बहुत सारे एग्जाम्पल करवा के आपका टाइम खराब नहीं करना। चलते आगे, कंसीडर द फॉलोइंग, करंट वैल्यू ऑफ इंडेक्स 1400, स्पॉट डिविडेंड यील्ड दे रखा तो पीरियोडिकल होता है, और ये क्या शब्द लिखा हुआ है, कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग, अगर ये कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग है 10%, तो आपको डिविडेंड यील्ड को भी कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग लेना पड़ेगा। मतलब सर सीधा हम इसमें से ये माइनस कर दीजिए, यस ये भी किसका निकालना है 1400 पे, ये भी किसके निकालना है 1400 पे, तो सर हम ऐसा कर ले कि 1400 में से 0.10 में से 0.06 माइनस कर लेते हैं, यस तो आ गया 0.04, और इनटू 0.04 × 3/12, ऐसा करके भी तो काम कर सकते हैं, वही किया हुआ ये दिख रहा है आपको, तो ये 0.0 और 0.01 का कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग का फैक्टर वो आपको निकालना आता है 4096 वाले से, यहां जरूरत पड़ेगी 0.01 / 4096 + 1 × 12 कितने बार, 12 बार मेरे ख्याल से ये पता है, तो ये कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग फैक्टर आ गया, तो ये आ गया F। ठीक है जी चले आगे, तो अब बात आती है आर्बिट्रेज की, एग्जांपल नहीं करवा रहा हूं, एग्जांपल इसलिए नहीं करवा रहा हूं, क्वेश्चन ही कर लेते ना यार, तो क्वेश्चन से हमारी सारी बातें खत्म। तो मैंने ज्यादातर अभी जो रिवीजन चल रहा ना, इस बार में और पिछले बार के रिवीजन में क्या अंतर, अंतर यह है कि इस बार जो रिवीजन करवाया जा रहा है उसमें ज्यादातर एग्जांपल्स ना करके क्वेश्चंस उठाए जा, ताकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो वो हो जाए। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, एक बार रीड करते बात समझ में। अब आर्बिट्रेज वाली बात, तो फॉलोइंग डेटा रिलेट टू आनंद लिमिटेड शेयर प्राइस, करंट प्राइस पर शेयर, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्पॉट, 6 मंथ फ्यूचर प्राइस, ये एक्चुअल है, एक्चुअल है। Assuming it is possible to borrow money in the market, और कितने परसेंट पे बोरो कर सकते हो, 12% पर है। You are required to, सबसे पहले क्या निकालना है, F निकालना है और फिर आर्बिट्रेज। F निकाल लेते, F के लिए स्पॉट डिविडेंड है ही नहीं है, तो F 1800, 1.6 महीने का 1.06, ये तो हो जाए 1800 1.06, ये मिसप्रिंट है, 1800 1.06 कर रहे हैं, ये भी मिसप्रिंट है, तो आंसर कितना आ गया 1908। ठीक ठीक है, तो 1800 × 1.06 किया तो 1908 आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है कि आर्बिट्रेज, अगर आर्बिट्रेज की बात करो तो बताओ यहां प्राइस, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कितना दिख रहा है 1950, और ये जो आया थ्योरेटिकल प्राइस, अगर मैं 1950 में से मैं माइनस कर दो 1908, तो आंसर कितना आएगा 42, तो ये हो गया आर्बिट्रेज गेन। अगर मैं कहता हूं आर्बिट्रेज गेन कुछ नहीं है, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस से ये जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं इसको माइनस कर दीजिए, आंसर आ गया, बट क्या नंबर मिलेगा, नहीं, आपको प्रोसेस दिखाना पड़ेगा। अब सावधानी से सुनना मैं क्या कहना चाहता हूं, एक्चुअल एफ कितना है, एक्चुअल सर एक्चुअल एफ है 1900, और ये क्या है थ्योरेटिकल
19, यहां तक ठीक है। इसका मतलब समझ रहा सर? इसका मतलब यह है कि अगर हम आज शेयर खरीदते हैं और होल्ड भी करते और ब्याज वगैरह भी लगता है तो भी हमारा को शेयर 1908 का पड़ रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट करने पे, खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करने पे 1950 रुपए पड़ रहा है। ठीक है, ठीक। अब आर्बिट्रेज प्रोसेस में क्या होगा, यही मैं समझाने की कोशिश कर। जब मैं स्टॉक एक्सचेंज से बोल रहा हूं कि भैया एक्चुअल फ्यूचर प्राइस क्या है, इनका ये कहना है 1950। मैंने कहा यार ये प्राइस किस चीज का, बोले आप खरीद भी सकते हो, आप बेचने का भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, आप खरीदने का भी कॉन्ट्रैक्ट, आप बेचने का भी कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा दिखता है, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, आज शेयर खरीद लेते हैं बैंक से पैसे उठाकर, तो कितना मिलाकर, टोटल मिलाकर मुझे 1908 ही तो पड़ेगा। आज शेयर कितने का पड़ेगा? आज शेयर सर 1800 का, और ब्याज पकड़ के भी मुझे शेयर कितने का पड़ेगा? 1908। और मैं एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं इस स्टॉक एक्सचेंज के पास, स्टॉक एक्सचेंज हम आपको बेच देंगे 6 महीने बाद शेयर कितने में? 1950। बात करता, फायदा दिख रहा, बात समझ में आ रही ना यार? ये ज्यादा दिख रहा है, स्टॉक एक्सचेंज के ओवर प्राइस है, तो चलो शेयर खरीद के चलो इसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते कि 6 महीने बाद हम आपको बेच दें। बात करता, ये लिखा हुआ कैसे डिसाइड करोगे सर? कैसे डिसाइड करोगे कि फ्यूचर में हमें इस रेट पर बेचना है कि खरीदना है? ये अगर ज्यादा है तो बेचेंगे, ये अगर कम है तो खरीदेंगे। समझा? फ्यूचर क्या है? ओवर प्राइस सर, ये ज्यादा है, और जो ज्यादा है उसको क्या करते हैं? बेचना है। अगर इधर बेचना है तो सिंपल सी बात है, इधर हमें खरीदना पड़ेगा। तो बोल रहा है सिंस फ्यूचर इज ओवर प्राइस एंड सेल्स सेल फ्यूचर एंड बाय स्पॉट। ठीक है, प्रोसेस क्या होगा सर? प्रोसेस आज क्या करोगे, 1800 रुपया उधार लीजिए, शेयर खरीद लीजिए, और एक कॉन्ट्रैक्ट कीजिए कि इस शेयर को आप 1950 में बेच दें। 6 महीने बाद पैसा कहां से आएगा? 1950 से आएगा शेयर बेचने से, और हमें बैंक वाले को चुका देंगे 1908, तो गेन कितने का होगा? 42। ठीक है जी, हाँ बोलो। हाँ, 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा सर, और आते ही ये क्वेश्चन, इसलिए मैं करवा रहा हूं। ठीक है सर, आगे चले। यस, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने उठाया है। अब ध्यान से 31/8/2011 ये जनवरी है मान लो सर, इधर वाला लाइन क्यों बनाया हुआ, और ये है आज की डेट है 31/8, और यहां क्या प्राइस दिखा है? बोले 2200 रुपए। ठीक है, द रिस्क फ्री रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 8%। द डिविडेंड यील्ड ऑन दिस स्टॉक, ये दे रखा है डिविडेंड यील्ड दे रखा है पर, एज्यूम दैट इंटरेस्ट इज कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग डेली, फाइंड आउट द प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और कब? एफ निकालना है 31/12/2000, बोले एफ निकालना है, और कहां के लिए निकालना है? 31/12 मतलब 4 महीने बाद। तो सर सिंपल है, क्या करेंगे? 2200, और रेट कितना ले लेंगे? 8%। कितने महीने का? 4 महीने का, और माइनस डिविडेंड भी तो करना पड़ेगा, तो डिविडेंड कहां से? अब डिविडेंड ये जो दे रखा है ये पास्ट का दिया हो, और जो पास्ट में हुआ है वो आगे भी होगा, तो मुझे कितने महीने का डिविडेंड देखना पड़ेगा? मुझे 4 महीने का। इट मीन्स क्योंकि मैं यहां खड़ा हूं 31/8, तो इसके बाद वाला डिविडेंड, ये वाला डिविडेंड मुझे देखना पड़ेगा। तो डिविडेंड रेट क्या हूं? 3% या 4% या 3%, सबके सब पर है ना, कोई ये मंथली नहीं है सर। एवरेज कर लेते हैं, 3+3+4+3/4 सर, ये आ गया 3.25%। ठीक है, तो मेरा ये पर है ना, मैं ना, मेरा ये मानना है कि ये जो डिविडेंड है यहां है 3.25% पर है ना, और रेट है 8% पर है ना। इन दोनों को माइनस कर देते, 8 मतलब 0.08 माइनस 0.0325 कितना आ गया? 0.0475, और कितने मन का? (4)/12, तो 0.0158। बात समझ रहे हो ना मैंने क्या किया? ये सॉल्व, सबसे पहले मैंने एवरेज निकाला 4 महीने का क्यों लिया, ये मैंने आपको समझा दिया। अब यहां मैं क्या कर रहा हूं, यहां क्या कर रहा हूं ध्यान से, 0.08
आर माइनस डी आई 0.0325 ठीक है, और 4 मंथ का, तो ये आ गया। और इसका मुझे वैल्यू चाहिए, और वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, ये दिया 1.0153, तो मैंने सीधे उठाकर एफ लिखा, ठीक है। अच्छा को देखकर चले जाना, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 41 और क्वेश्चन नंबर 42, दोनों क्वेश्चन मेरे फेवरेट है और दोनों में टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। चलो जी पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। द एनएससी 50 इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर, सर फ्यूचर का मतलब क्या होता है? आप ये कह रहे हो सर, यहाँ जब आपने आर्बिट्रेज समझाया, कहाँ गया भाई आर्बिट्रेज वाला, जब आर्बिट्रेज समझाया तो आपने ये कहा था कि हम इस स्टॉक एक्सचेंज से खरीद लेने, खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या तो बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सर स्टॉक एक्सचेंज में फ्यूचर में फिजिकल डिलीवरी होती है, अगर होती है तो चलो होती है, स्टॉक में तो मान गया, सेंसेक्स में कैसे फिजिकल डिलीवरी? सेंसेक्स में फिजिकल डिलीवरी नहीं होती, आपको बेटिंग करना पड़ता है। बेटिंग का मतलब जहां बाय आएगा वहां लॉन्ग पोजीशन, जहां सेल आएगा वहां शॉर्ट पोजीशन, इस तरह से बेटिंग करनी होती है। सर समझाओगे? समझाता हूं। यहां जो शब्द है वो शब्द इंडेक्स है, और इंडेक्स में मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं खरीद लूंगा, क्या खरीदोगे? आज ही खरीद के रख लेंगे, क्या खरीद के रखोगे? सेंसेक्स। तो वो क्या होता वो समझा रहा हूं, सुनो। द एनएससी 50 इंडेक्स फ्यूचर आर ट्रेडेड विथ रुपीज वैल्यू बींग रुपीज 100 पर इंडेक्स पॉइंट, पता नहीं क्या होता। ऑन 15 सितंबर द इंडेक्स क्लोज्ड एट 1195। 15 सितंबर की बात कर, 15 तारीख को इंडेक्स है 1195, एंड द दिसंबर फ्यूचर लास्ट ट्रेडिंग है 15 दिसंबर को 1225। ये दो 15 दिसंबर, ये 15 सितंबर, और बोले यहां के लिए फ्यूचर प्राइस क्या है 1225। सर ये एक्चुअल है, एक्चुअल है, एक्चुअल है, और ये क्या है स्पॉट। हम कब खड़े हैं? हम खड़े हैं 15 सितंबर, 15 सितंबर को खड़े हैं। आज सेंसेक्स का या इंडेक्स का स्पॉट प्राइस है 1995, और एक्चुअल फ्यूचर प्राइस है अगर आपको यहां के लिए ट्रेडिंग करना है तो 1225 पे ट्रेडिंग करना पड़ेगा, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस बोल सकते, ठीक है। आगे क्या लिखा? द हिस्टोरिकल डिविडेंड यील्ड ऑन द इंडेक्स, और डिविडेंड यील्ड दे रखा 3% पर है, एंड बोरिंग रेट दिया है 9.5% पर है। और हमें क्या निकालना है? हमें ये बताना है कि बताइए सितंबर 15 में जो दिसंबर का फ्यूचर प्राइस दिख रहा है वो अंडर प्राइस है कि ओवर प्राइस है। तो इसको कंपैरिजन इससे नहीं करना है, इसकी हेल्प से हमें थियोरिटिकल एफ निकालना। तो थियोरिटिकल एफ निकाले, यस 1195 है यार, 1195 स्पॉट प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर 9.5%, और डिविडेंड यील्ड कितना है 3.5% ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट का 9.5% में से 3% माइनस कर देंगे, और पीरियड कितना लेना है 91 डेज, ये पावर नहीं है, सिंपल है, 91 डिवाइडेड बाय 365। कैलकुलेटर उठाइए, 0.095 माइनस 0.03 इंटू 91 डिवाइडेड बाय 365। डेज में कैलकुलेट किया, 91 कहां से आया? तो इसमें पता नहीं ICAI ने क्यों डेज में कैलकुलेट किया, आप मंथ में भी कर सकते भाई। वह अच्छा ये बोला है कि एक साल में आप 365 दिन ले लेना, तो 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक दिन काउंट कर लेना 91। अब मैं दिन काउंट नहीं करने वाला, ठीक है, ठीक है सर। तो मैं क्या कर रहा था, हाँ मैंने नहीं, तो ये आ गया, ये कैसे आया, दिस माइनस दिस इंटू 91 डिवाइडेड बाय, इसके हिसाब से ये आ गया
ये कौन सा एफ है? थियोरिटिकल। और एक्चुअल एफ कितना आया था सर? एक्चुअल एफ आया था 1225, एक्चुअल वाला 1225। और ये कौन सा? ये थियोरिटिकल है। बताओ फ्यूचर इज अंडर प्राइस की ओवर प्राइस, इसको देखें, इसको सर अगर इसको देखे तो ये होना चाहिए एक्चुअल, ये होना चाहिए, पर है 1225। अगर ये 1225 है यार तो ये ओवरप्राइज्ड, ओवरप्राइज है, ओवरप्राइज है तो जो ज्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल। और सेल का मतलब हमने क्या कहा था? शॉर्ट पोजीशन। याद रखना मैंने अनुमान ऐसे लगाया, सेल, सेल का मतलब शॉर्ट पोजीशन। हम सेल कर तो नहीं सकते पर बैटिंग तो कर सकते हैं। कैसी बैटिंग? डाउन साइड शॉर्ट पोजिशन। बस इसने इसने 1214.37 को 1000 से मल्टीप्लाई किया है। क्यों किया होगा 1000 से? 1000 से क्यों मल्टीप्लाई? 100 से हो सकता था मल्टीप्लाई ज्यादा से ज्यादा। एक बार देख लो, 1214.37 इंटू 100, हाँ ये 100 से मल्टीप्लाई है, 1000 नहीं। वहां ऐसा रुपीज 100 बोला, एक निफ्टी इज इक्वल टू रुपीज 100, आप नंबर ऑफ क्वांटिटी मान। तो ये आ गया एफ। आगे क्या बोला? मैंने कहा ये ज्यादा है तो लिखा एक्चुअल फ्यूचर प्राइस इज मोर देन थ्योरेटिकल प्राइस एज फ्यूचर इज ओवरप्राइज्ड। सिंस फ्यूचर इज ओवरप्राइज्ड एंड पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेज गेन इन दिस सिचुएशन वी बोरो एंड बाय स्टॉक एंड टेक शॉर्ट पोजिशन ऑन। याद रखना ये सेल कर रहे तो ये क्या करना पड़ेगा? बाई करना पड़ेगा। पर यहां हम लोगों को यहां सेल फ्यूचर ना लिखकर शॉर्ट पोजिशन, सेल फ्यूचर भी लिखोगे तो वही, यहां तक ठीक है। बस सर इसमें क्वेश्चन जो बनाएंगे ना, क्योंकि इसमें दो प्राइस दिया हुआ है 1260 और 1175, और जब भी दो प्राइस दिया होगा ना तो सेल का मतलब डाउनसाइड बैटिंग मान के चलना, यहां फिजिकल डिलीवरी पॉसिबल नहीं। मतलब सर करना क्या होगा? मैं आपको बता रहा हूं करना। अब यहां मैं निकाल रहा हूं गेन कितना होगा अगर प्राइस 1260 हो जाता, अगर प्राइस 1175 हो जाता, ठीक है। क्या आपने शॉर्ट पोजीशन लिया? यस, आपने शॉर्ट पोजीशन लिया, उसको बाद में आपने बोरो किया और बाय किया है स्टॉक, कितने में? आज का प्राइस कितना है? 1195। तो 1195 वो तो देना ही पड़ेगा, बैंक से उधार लिया होगा ना, तो 1195 का 9.5% 91 डेज का इंटरेस्ट और 100 क्वांटिटी है, तो इतना हमें बैंक वाले को पैसा वापस करना पड़ेगा, चाहे 1260 प्राइस हो चाहे 1175, बैंक वाले को तो देना पड़ेगा, दे दिया। इसके अलावा सर हमें डिविडेंड भी तो मिलने वाला है, यस, तो डिविडेंड मिलेगा तो वो तो प्लस है आपके लिए, डिविडेंड इनकम भी होगी 1195 का 3% 91 और इंटू 100 कर रहा है बाद में, ये हमारे डिविडेंड इनकम, चाहे शेयर का प्राइस कुछ भी क्यों। बस आपने पोजीशन ले रखा है 1200, वो प्रॉफिट लॉस बाद में, याद है सर, बैंक वाले को चुका दिया, चुका दिया, डिविडेंड में मिल गया, यस, पर सर हमने एक्चुअल में शेयर्स खरीदा था, यस, तो उसको तो बेच देंगे ना सर, उसको रखकर क्या करेंगे? मार्केट में जो भी भाव हो उस पर बेच देंगे, यस, और उसको बेच देंगे कितने रुपए में? अगर 1260 है तो 1260 इंटू 100 या 1175 है तो इंटू 100, तो ये बेचने से हमें इतना पैसा आ जाएगा, यहाँ ठीक है सर। वो तो हम एक्चुअल थ्योरी इस पे बेचेंगे, नहीं मैंने कहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो, जहां भी दो प्राइस है, जहां भी दो प्राइस है तो काम कैसे होगा, बस यही समझाने की कोशिश करो। पहला काम ये होगा, सुनोगे, जहां भी दो प्राइस, मैंने शेयर खरीदा, कहां से खरीदा? बैंक से पैसे उधार खरीद लिया, उसके अलावा मैंने एक शॉर्ट पोजीशन लिया, डाउनसाइड बैटिंग किया कि इंडेक्स का प्राइस या शेयर का प्राइस, शेयर समझ लो कि 1225 से नीचे जाएगा, हो गया, यहां तक काम हो गया, शेयर एक्चुअल में खरीदा है। अब 6 महीने 3 महीने बाद या तो शेयर का प्राइस 1260 हो सकता है या तो 1175 हो सकता है, शेयर अभी मेरे पास है। सबसे पहले यार बैंक वाले को पैसे चुकाना पड़ेगा, बैंक वाले को पैसे चुकाना पड़ेगा, जितने में शेयर लिया था उस पे ब्याज मिलाकर बैंक वाले को पैसे चुकाने पड़े, चुका दिया बैंक वाले को, पर उसके लिए पैसा कहां से आएगा? जो शेयर आपने ऑलरेडी खरीद के रखा था उसको बेच दो ना भाई,
ठीक है, अगर 1260 हुआ तो 1260 के हिसाब से बेच दीजिए, अगर 1175 हुआ तो उसके हिसाब से बेच दीजिए। पर शेयर मैंने होल्ड करके रखा था तो मुझे डिविडेंड भी तो मिलने वाला है, तो वो डिविडेंड भी तो आपकी इनकम है, तो उसको भी मैंने प्लस कर दिया, शेयर वाला काम खत्म। लेकिन आपने एक बेटिंग कर रखा है, क्या क्या 1225 से नीचे जाएगा, पर यहां तो ज्यादा चला गया तो यहां आपको लॉस हो गया, आपने बेटिंग किया था ना कम जाएगा। सर ऑप्शन है कि ये ऑप्शन नहीं है, ये फ्यूचर है, तो सर यहां मुझे क्या हो गया, मुझे लॉस हो गया, प्राइस बढ़ गया, आपने कहा कम हो गया, बढ़ गया, तो यहां मुझे लॉस हो गया 35 का, और अगर वाकई प्राइस कम होता है तो मुझे यहां प्रॉफिट हो गया 5000 का। अल्टीमेटली दोनों में आंसर एक जैसा आएगा, अगर दो प्राइस दिया होगा तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, एक तो ये क्वेश्चन था और एक ये क्वेश्चन था जिस पे बैंड बज गई है बच्चों की, और क्या था क्वेश्चन मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इस क्वेश्चन में मैं थोड़े से करेक्शन भी करवाऊंगा, क्यों करवाऊंगा मैं बताता हूं, पर ये क्वेश्चन आपको करना है, सभी बच्चों को करना, सभी बच्चों को इसको, इसमें करेक्शन करवाने वाला हूं, जो ऑलरेडी मैंने करवा चुका हूं ना उसमें थोड़े से करेक्शन करवा। सुनो क्या लिखा है, सपोज करंट मार्केट प्राइस ऑफ इंडेक्स दिया है 13800, मतलब एस 13800, एन यील्ड ऑन इंडेक्स 4.8% पर, मतलब डिविडेंड यील्ड दे रखा है 4.8% पर एनम शब्द लगा हुआ है, ठीक। 6 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन इंडेक्स इज, ये एक्चुअल है, एक्चुअल एफ दिया है 14340, ठीक है सर। एज्यूमिंग दैट रिस्क फ्री रेट 12%, याद रखना 6 मंथ, तो ये 6 मंथ एक्चुअल एफ 12%, शो मिस्टर एक्स कैन अर्न एन एबनॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इरिस्पेक्टिव ऑफ आउटकम आफ्टर 6 मंथ, ठीक है, आर्बिट्रेजर है तो आर्बिट्रेजर कैसे कमाएगा ये। You can assume that after 6 months, दो प्राइस दिया है तो जैसे हमने क्वेश्चन बनाया वैसे बनाना पड़ेगा, आपको आर्बिट्रेज में आपको देखना पड़ेगा शॉर्ट पोजिशन है कि लॉन्ग पोजिशन। दैट ये लाइन क्या कहना चाहता, 50% ऑफ स्टॉक इंक्लूडेड, ये जो इंडेक्स निकाल रहा है ना इंडेक्स, इसमें तो बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, बोले इसमें से इंडेक्स का मतलब समझ रहे हो ना, सेंसेक्स का मतलब बड़े सारी कंपनी के मिलाकर, बोले इसमें से 50% जो कंपनी है वो डिविडेंड पे कर रही है इन नेक्स्ट 6 मंथ, ठीक है। आल्सो कैलकुलेट द रिस्क, ये क्या चक्कर है, ये मैं आपको दोनों चीजें समझाने की कोशिश करूं। सबसे पहले हम जब एफ निकालते हैं तो हमें दो चीजों की जरूरत है, सबसे पहले एस, एस कितना दिया है सर, एस दिया है 13800, ठीक है, यस। अब इसमें क्या इंटरेस्ट 12% है तो मैं 1.06 सीधा भी लिख सकता हूं, 1.06, मैं डिविडेंड को अलग से दिखाना चाहता हूं माइनस। अब डिविडेंड देखो कैसे निकलेगा, 13800 इंटू कितना परसेंट है सर, इसमें 50% ही तो कंपनी डिविडेंड दे रही, चलो 50%, तो 13800 इंटू 50% 6900 इंटू डिविडेंड यील्ड कितना है 4.8%, तो 6900 इंटू 4.8% सर 331.20 पर, ये पर एनम है ना, इसलिए यहां हमें इंटू करना पड़ेगा 6/12। मैंने बार बार आपसे बोला जहां भी डिविडेंड यील्ड शब्द आएगा आपको इंटू 6/12 करना पड़ेगा, उस हिसाब से यहां एफ कुछ और आता, लेकिन इंस्टीट्यूट ने 6/12 नहीं किया। आपकी ओपिनियन आप अपने पास रखिए, बहुत सारे बच्चों ने मुझे इंटरप्रिटेशन बता रहे कि सर वो नेक्स्ट 6 मंथ बोला ये डिविडेंड यील्ड दिया तो परिणाम बेसिस पे आपको पीरियोडिकल करना चाहिए,
पर उन्होंने नहीं किया, उन्होंने सारा की सारा 321 रुपए 20 पैसे यहां से माइनस किया है। उसकी वजह से हमारे आंसर में चेंज आएगा। वही मैंने यहां जो करवा रखा उसको मैं ठीक कर रहा हूं, मैंने यहां 50% माइनस किया जबकि यहां 50% मतलब मैंने 6 महीने का माइनस किया जबकि यहां पूरा माइनस किया गया 331.20। प्लीज सुधारते हुए चलो, सुधार लीजिए। क्यों सुधार लीजिए सर, दिक्कत क्या? आपने जो करवाया वो गलत है कि गलत नहीं है? भाई मैं बोल नहीं रहा हूं कि गलत है, वो मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से था और मैं सही भी था, लेकिन यहां मुझे ICAI को फॉलो करना पड़ेगा। ICAI इस क्वेश्चन में डिविडेंड यील्ड भले ही पर एनम दिया, आपको पूरे साल भर का लेना पड़ेगा। ठीक, उसकी वजह से ये आंसर चेंज हो जाएगा। 13,800 × 1.06 −331.20 आंसर यहां अब आ जाएगा 14296.80 × 100 कर देंगे। अच्छा इसकी जरूरत, चलो ठीक, 100 बाद में। ठीक, तो ये आ गया 14296। ये कहां से आया, ये बेकार, ये कहीं और कम प्रिंट। ये क्या निकला, ये निकला थियोरिटिकल है। और सर एक्चुअल एफ क्या है? एक्चुअल एफ है 14,340। एक्चुअल एफ और थियोरिटिकल एफ में कंपैरिजन करना है। ये आया 14,296, ये आ रहा है 14,340। ये सर ये ज्यादा है, हाँ अगर ये ज्यादा है इससे तो ज्यादा है, तो सर यहाँ कौन सा पोजीशन लेंगे? फ्यूचर इज ज्यादा है तो इसको बोलते हैं ओवर प्राइस। अगर ओवर प्राइस है तो सर हम क्या करेंगे, बाय, और बाय को हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग पोजीशन, मतलब अपसाइड बेटिंग करें। अच्छा सर नहीं, फ्यूचर क्या ये ज्यादा है? यस, एक सेकेंड, ज्यादा है तो बाय नहीं, सेल, और सेल को क्या बोलेंगे, शॉर्ट पोजीशन। तो सिंस फ्यूचर इज, इसकी वजह से हमारा क्वेश्चन अलग हो गया। ये डिविडेंड हम कितना ले रहे हैं, 312, इसकी वजह से। क्या फ्यूचर ज्यादा है? यस, फ्यूचर ज्यादा ओवर प्राइस है तो मतलब सेल, सेल का मतलब शॉर्ट पोजीशन। तो फ्यूचर इज मैंने यहां चेंज कर रहा हूं, यहां क्या जाएगा, ओवर प्राइस, हेंस हेंस बाय स्टॉक, बाय स्पॉट लिख सकते हैं, बाय स्पॉट एंड सेल फ्यूचर ऐसा लिख सकते हैं। सेल फ्यूचर मतलब शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, ठीक है सर, यहां तक कोई समस्या है कि यहां तक कोई समस्या? अब ये प्रोसेस अलग है, इससे हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा, मैं आपसे समझा, हालांकि ये गलत नहीं है, पर अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। मैंने क्या किया, मैंने स्टॉक खरीदा है, इट मींस शॉर्ट सेल की जगह क्या जाएगा, बाय, बाय वन शेयर, कितने में, 13,800 में। और कैसे खरीदा है, बोरो करके 12% पर एनम फॉर 6 मंथ। और लॉन्ग की जगह कौन सा पोजीशन लिया हमने, शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा आफ्टर 6 मंथ, ये आफ्टर 6 मंथ वाला ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ठीक से समझ, आफ्टर 6 मंथ, इसमें तो टाइम लगना था क्योंकि तो इसमें मुझे चेंज करवाना था, जो मैंने करवाया हूं ना बच्चों को एग्जाम ओरिएंटेड, मैं थोड़ा सा ICAI के हिसाब से चल रहा हूँ। आफ्टर 6 मंथ प्राइस क्या हो सकता है सर, प्राइस 10,200 भी हो सकता है या प्राइस 15,600 भी। सर क्यों, पहले क्या दिक्कत थी, मैंने कहा ना पहले भी पहले ज्यादा लॉजिकल था, पर जो पेपर चेक हो रहे हैं ना आजकल उससे मुझे समझ में आ गया, थोड़ा सा हमको झुकना पड़ेगा, हमें इंस्टीट्यूट जैसा बोल रहा है करना। ठीक है सर, तो सर आपने शेयर जो बाय किया था तो आपने बोरो करके किया था, तो आप पेमेंट करोगे, यस, कितना बोरो किया था, 13,800, तो 13,800। अब सुनोगे, यहां भी इंस्टीट्यूट ने खेल खेला, 13,800
13800 × 1.06। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, अभी लिखना नहीं, सुन लो एक बार, 13800 × 1.06 हमें पैसे वापस करना पड़ेगा। तो सर ये माइनस हो गए, यस माइनस कितना 1462 8 माइनस 1462 8 हमने बैंक वाले को पैसे वापस कर दिए। अब जो आपने बाय किया था उस शेयर को क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। कितने का बिक जाएगा? जो भी मार्केट में प्राइस होगा, और मार्केट में प्राइस क्या हो गया, या तो वो 10200 में बिकेगा या तो वो 15600 में बिकेगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नाइस। उसके अलावा हमें डिविडेंड भी तो मिलेगा। डिविडेंड याद रखना कि कितना मिलेगा, 300 कितना आया था डिविडेंड, 165.60 × 2 हमें डिविडेंड मिलेगा 331.20। इसके अलावा हमने कौन सा पोजीशन लिया था? तो शॉर्ट पोजीशन लिया था कि 14340 से नीचे जाएगा, और ये तो नीचे गया तो हमें क्या हो गया प्रॉफिट। डिफरेंस निकालो प्रॉफिट कितना, 14340 माइनस 10200, तो सर हमें प्रॉफिट हो गया 4140, और यहाँ लॉस 15600 माइनस 14340, और यहाँ लॉस हो गया 1260। अब इसका टोटल मारो, क्या एक जैसा आएगा? यस, 14628 10200 10331.20 10410 माइनस 14628, तो सर 43.20 प्रॉफिट। यहाँ की बात करें 15600 प्लस 331.2 माइनस 1260 माइनस 14628 43.20 का प्रॉफिट। ठीक, इसमें कोई दिक्कत। अब यहां जो पूछ रहा है, आल्सो कैलकुलेट इंप्लाइड रिस्क फ्री रेट, सर इसका मतलब क्या है? बस ये दिक्कत है। अब सुनो, मैं कितना कमा रहा हूं क्या आप मुझे परसेंट, ये रिस्क है कि रिस्क फ्री? रिस्क फ्री, इतना मिलना ही मिलना है, तो मैं कितना कमा रहा हूं? तो सर हम कमा रहे हैं 43.20। कितने पे कमा रहा है एक्चुअल में? हमने 13800 आज का प्राइस है, तो 13800 इंटू 100, और ये कितने पीरियड का है सर? ये है 6 महीने का, तो 12 महीने का कितना हम एक्चुअल में इतना कमा रहे हैं, 43.20 डिवाइडेड बाय 13800 इंटू 100 इंटू 12/6, तो सर हम कमा रहे हैं 0.63% कमा रहे हैं। एग्री? और सुनो, इसके अलावा भी जो बैंक वाले को दे रहे हो आप, कितना दे रहे हो? 6%, वो भी तो आपने कमाया। नो डाउट वो आपको किसी को देना पड़ा, क्योंकि आपने उधार लेकर काम कमाया कर रहा, लेकिन इस प्रोसेस में एक्चुअल में आपने 12 तो कमाए ही कमाए ना, या पर एनम के हिसाब से जो इंटरेस्ट दिया आपने बैंक वाले को, वो भी तो इस ट्रांजेक्शन से आप कमा रहे हैं। तो एक्चुअल में आपने जो कमाया वो कमाया 12 + 0.63 = आपने कमाया 12.63%। ये है एक्चुअल में रिस्क फ्री, ये कमाया। इंस्टीट्यूट ने इसको ऐसे सॉल्व किया, इंस्टीट्यूट ने यहां से इंटरेस्ट 12% जो आप 12% के सब 6% देना बैंक वाले को हटा ही दिया, इट मींस यहां पूरा प्राइस ले लिया 13800 और यहां भी ले लिया 13800। इंटरेस्ट अलग से नहीं दिखाया, जबकि जनरली हम ऐसा करते नहीं, आर्बिट्रेज गेन में इंटरेस्ट माइनस करते, उसने माइनस नहीं। उसकी वजह से क्या यहां फर्क पड़ेगा? इसी क्वेश्चन में दिक्कत है, बाकी नहीं। 13800 प्लस 10200 13800 माइनस, तो 10200 प्लस 331.20 प्लस 4140 माइनस 13800, तो ये आ गया 871.20, और ये भी उतना ही आएगा 871.20। तो इसकी वजह से सर अब क्योंकि इसमें इंटरेस्ट माइनस नहीं किया, 871.20 कितने पे कमा रहा है? 13800 × 100 × 12/6 आंसर 12.63% ही आएगा। अब की बार सीधा आ जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो आप ले ही नहीं रहे,
तो अब क्या सीधा जाए, इंस्टीट्यूट ने ऐसे सॉल्व किया। मुझे यहाँ इतना डिटेल रिविजन में नहीं करवाना चाहिए था, पर इसके अलावा कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां मैं ये क्वेश्चन को ऐसे समझा। हमें क्या करना है, आपको ऐसे करना है, मुझे आपको पास करना। एक गलती क्या लगी, डिविडेंड यील्ड मेरे हिसाब से पीरियोडिकल लेना चाहिए था, 6 मंथ के हिसाब से होना चाहिए, एक गलती। दूसरी गलती क्या लिखी, भैया यहाँ ले लेता, मालूम है रिस्क फ्री रेट निकालना है, पर यहाँ इंटरेस्ट भी लेने में दिक्कत क्या थी। तो सर इसको रट्टा कैसे मारे ये बता। रट्टा ऐसे, जब भी रिस्क फ्री रेट मांगेगा अलग से, ये सब कैलकुलेट इंप्लाइड रिस्क फ्री रेट, सॉरी, जब भी ये मांगेगा ना ये, तो भाई एक काम करना, जैसा ICAI कर रहा वैसा करना, यहां से इंटरेस्ट मत लेना, सीधा सीधा लेना, और रिस्क फ्री आर्बिट्रेज गेन उस कंडीशन में आप इतना लिख, ठीक है। इस क्वेश्चन में टाइम लगना था, लगा। आगे चलो, ये जो है, ये जो किया गया है, ये डिविडेंड यील्ड 6 मंथ के हिसाब से कैलकुलेट है, तो मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं, पर मानना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन उठाया है वो भी देख लेते हैं फटाफट से, जल्दी चलते हैं थोड़ा सा, ये टाइम पास क्वेश्चन है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज अवेलेबल आर लिमिटेड, एनुअल डिविडेंड कितना रुपया, 4 रुपया दिया जा रहा है। स्टॉक अभी क्या प्राइस है, 125, एस मालूम है कितना है, 125, और डिविडेंड कितना है, 4। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी कितना, 1000 शेयर, 1000 से मल्टीप्लाई करें, और ट्रेजरी बिल का रेट कितना दिया है, 8%। गिवन द अबव इन्फॉर्मेशन व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो प्राइस निकालना है तो डी वो वाले फॉर्मूले से, 125 एक साल बाद का, माइनस 4 131 में 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 1,31,000। मेरे ख्याल से एफ निकालने में कोई दिक्कत। दूसरा, इफ द कंपनी स्टॉक का प्राइस डिक्रीज हो जाता 6% से, बोले 125 नहीं, 125 से 125 माइनस 6% 117.50 रुपए हो जाता है, तो एफ क्या आएगा, फर्क पड़ेगा भाई कितना आ जाएगा, एफ 120 मतलब कितना जाएगा, 1,22,000। बस यहां प्राइस डिक्रीज हो रहा है ना, तो वो डिक्रीज करके ले, ठीक। तो डिक्रीज होने से बताओ प्रॉफिट है कि लॉस दिख रहा है। अगर आपका पोजीशन कौन सा है, लॉन्ग पोजीशन, वो ये पूछ रहा है, अगर आपका लॉन्ग पोजीशन है, कहाँ है, अगर आपका लॉन्ग पोजीशन है तो बताइए प्रॉफिट है कि लॉस है अगर प्राइस डिक्रीज हो जाता है। भाई प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो फ्यूचर प्राइस भी तो डिक्रीज होगा ऑटोमेटिक, तो उसकी वजह से हमें लॉस है कितने का, 81। खत्म, क्या खत्म, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ने दो पार्ट खत्म, पहला मार्जिन खत्म हो गया, दूसरा ये थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब मेन मुद्दा बचा है क्या, बीटा मैनेजमेंट। तो अब भगवान का नाम लेते हैं और बीटा मैनेजमेंट, ठीक है जी। चलो जी, दो पार्ट हो गए, आगे बढ़ रहे हम लोग, और अब बात है बीटा मैनेजमेंट, और मैंने आपसे कहा था इसको ना स्लो करना, टाइम लग जाए तो लग जाए, पर प्लीज स्लो करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इससे अधिकतर क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो बीटा मैनेजमेंट पार्ट, कमोडिटी फ्यूचर कुछ है ही नहीं, वो तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, पर बीटा मैनेजमेंट में टाइम लगेगा, हो सकता है 1 घंटा लग जाए, या हो सकता है उससे पहले हो जाए, उससे पहले ही हो जाएगा, 1 घंटे से पहले पहले हो जाएगा। सबसे पहले बात यह है कि आखिर बीटा मैनेजमेंट है क्या, बीटा मैनेजमेंट है, अब समझने की कोशिश करो। ये ऑलरेडी पढ़ना है या पढ़ा हुआ है, वैसे तो पढ़ना है हमारे रिवीजन के हिसाब से, कि बीटा मैनेजमेंट पोर्टफोलियो एक चैप्टर है, पोर्टफोलियो में भी बीटा मैनेजमेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा, रिवीजन तो मैं वैसे भी करवाने वाला हूँ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। और आपका जो रिस्पांस दिख रहा है, अगर आपका रिस्पांस अच्छा है, रिवीजन में आपको मजा आता है, तो हो सकता है कि मैं कॉर्पोरेट वैल्यूएशन वगैरह भी, हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मुझे रिस्पांस देते हो, आपको अच्छा लगेगा तो हो सकता है मैं कोशिश करूं। और तो सर बीटा मैनेजमेंट होता है कि एक पोर्टफोलियो हम बनाते हैं, ABCD इस तरह से पोर्टफोलियो बनाते हैं, और उसका यहाँ वैल्यू होता, कुछ पैसे लगाए होते हैं, और उन सबका अलग अलग बीटा हो सकता है, बीटा आपको पता है। तो इससे हम क्या करते हैं, हम पोर्टफोलियो का बीटा,
और पोर्टफोलियो का बीटा आ गया मान लो दो ऑन एन एवरेज आ गया 1.5। किसी में रिस्क ज्यादा ले लेते हैं, किसी में कम रिस्क लेते हैं। रिस्क इसलिए ज्यादा लेते हैं क्योंकि ज्यादा रिस्क ले रहे हैं तो रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद यार हम लोगों को इस बीटा का जो पोर्टफोलियो का बीटा है ना इसको मैनेज करना होता है। क्यों मैनेज करना होता है मैं आपको बता। अब हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर लिया और हमें ऐसा लग रहा है कि यार फ्यूचर में आने वाले दिनों में मार्केट डाउन जाए। अगर मार्केट डाउन जाने वाला है तो जिसका बीटा है वो बहुत बुरी तरह से डाउन जाएगा, जिसका बीटा ज्यादा है। क्योंकि अगर मार्केट 1% से गिरेगा तो स्टॉक ए 2% से गिरेगा। इस कंडीशन में बीटा कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए। मार्केट गिरेगा, नो डाउट मार्केट गिरेगा, तो आपका पोर्टफोलियो भी गिरे पर कम गिरे। इट मीन्स मुझे अपना पोर्टफोलियो का बीटा क्या रखना पड़ेगा? कम रखना। उसके लिए इसमें कुछ चेंज वेंज करना पड़ेगा। दूसरा क्या हो सकता है सर? दूसरा हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट अप होने वाला है। अगर मार्केट अप होने वाला है तो ऐसे स्टॉक में पैसे लगा दो जिसका बीटा ज्यादा है, तो कहीं से पैसे निकाल कर कहीं और लगाना पड़ेगा। दिस इज बीटा मैनेजमेंट। हम जो पढ़ने वाले वो हम यहाँ रिस्क फ्री को यूज करके पैसा लगा सकते हो या एक स्टॉक से, वो नहीं पढ़ने वाले हम। जो ही वो पोर्टफोलियो में पढ़ेंगे, बीटा मैनेजमेंट भी पढ़ना पर वो पोर्टफोलियो में पढ़ना वो अलग। हमें यहां पढ़ना है स्टॉक इंडेक्स। इंडेक्स की हेल्प से, इंडेक्स की मदद से, फ्यूचर की मदद से इस बीटा को कैसे मैनेज कर सकते हैं। बीटा कुछ बच्चे जो मुझसे क्लास नहीं लिए हैं उनका ये कहना सर करेंसी ऑप्शंस या ऑप्शन हेजिंग नाम लिखते हैं या फ्यूचर हेजिंग वो कहां है? बेटे वो करेंसी ऑप्शन और करेंसी फ्यूचर है और उसको हम यहां नहीं पढ़ते, हम फॉरेक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चिंता ना, आपका एक एक क्वेश्चन में कवर कर। ठीक है सर, टॉपिक से हट गया था, वापस आ रहा है। ठीक है, तो यहां जो बीटा मैनेजमेंट करेंगे इस बीटा को कम या ज्यादा करना है, पोर्टफोलियो के बीटा को कम या ज्यादा करना है, पर किसकी मदद से? आपस में नहीं, इंडेक्स की मदद से, फ्यूचर की मदद से। इसका नाम है बीटा मैनेजमेंट। बीटा का क्या फॉर्मूला है? चेंज इन स्टॉक रिटर्न, चेंज इन मार्केट रिटर्न, ये बीटा का फॉर्मूला हमको बता है। पोर्टफोलियो का बीटा कैसे निकाला जाता, तो पोर्टफोलियो का बीटा कैसे निकाला जाता ये भी मैं नहीं करवा रहा हूं। पोर्टफोलियो का बीटा ऐसे निकाला जाता है वेटेड एवरेज या तो टेबल से निकाला जाता है। हम क्या कोशिश करेंगे? हम ये कोशिश करेंगे कि टेबल यूज करें, क्योंकि ICAI आजकल टेबल पर ज्यादा फोकस कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई मुझे नहीं मालूम। ये वाला इसमें और इसमें क्या अंतर है? एक ही तो बात है, पर वो पहले ये लिखता फिर वेट लिखता फिर बीटा वेट इंटू बीटा इस तरह से। पोर्टफोलियो बीटा है 1.4, इसका मतलब कि अगर मार्केट चेंज होगा 10% से तो पोर्टफोलियो भी चेंज होगा 14%। यहां तो कोई समस्या है कि यहां तक कोई समस्या? ये समझना है, ये अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा। और इसमें क्या लिखा है वो मैं पढ़ तो नहीं सकता, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब सुनना है आपको। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। एक होता है मार्केट, मार्केट मतलब निफ्टी, और एक है हमारा पोर्टफोलियो। और हमारे पोर्टफोलियो का बीटा है, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो बोलते हैं 2। इसका मतलब समझते हो? यस सर, इसका मतलब है अगर निफ्टी 10% से गिरेगा तो आपका जो पोर्टफोलियो है ना वो 20% से गिरेगा। इसका मतलब तो यही है। और हमारा कितना रुपया लगा है टोटल मिलाकर? हमारा पोर्टफोलियो है 5 लाख का, इसको बोला जाता है वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। हमने अलग अलग तरह के स्टॉक खरीदे हैं, हमने स्टॉक में हमारा ए भी है, बी भी है, सी भी है, इस तरह से अलग अलग स्टॉक खरीदे हैं जिसमें टोटल हमने कितना पैसा लगाया है? 5 लाख। ठीक है सर, अब हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में मार्केट क्रैश होने, मार्केट डाउन होने,
जैसे अभी हुआ था। अब मार्केट, हमें आज से अंदाजा हो गया कि मार्केट क्रैश होगा। अगर मार्केट क्रैश होगा, मार्केट गिरेगा, तो भाई आप ये 5 लाख बचा नहीं पाओगे, ये भी वैल्यू डाउन हो जाएगा, दिक्कत। सर तो करे तो क्या करे, सर बेच दो बेटे, ये मैं बोल रहा हूँ कुछ दिनों के लिए रहेगा, कुछ दिनों के लिए, फिर ऐसा लग रहा कि उसके आने वाले दिनों में फिर बढ़ जाएगा, तो सर होल्ड ही करके रख, पर ये पक्का नहीं कि बढ़ भी जाएगा, हो सकता है कि वो कम होते जाए। सर दिक्कत क्या है आपको ये बताओ, दिक्कत ये है कि यार मार्केट के गिरने से मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू गिरेगा, इसको मुझे बचाना है तो कैसे बचाओ, बस दिक्कत इतनी सी। डर किस बात का है सर ये बोलो, डर बस इतना सा है ना सर, ये गिरेगा, इससे इसको मेरा वैल्यू गिरना नहीं चाहिए, मार्केट क्रैश हो जाए तो हो जाए। भैया अगर मार्केट क्रैश होगा तो आप बचोगे थोड़ी ना, आप कहाँ बचोगे, आप तो निपटोगे, कुछ ना कुछ तो करे, किस बात का टेंशन है मार्केट के क्रैश, मार्केट डाउन होना है तो चलो ना यार, ये इससे तो बच नहीं सकते, पर जिस बात का टेंशन है उसी में पैसा लगाते हैं हम। किस में पैसा लगाते हैं हम, फ्यूचर में पैसा, और किस में, निफ्टी में। हम शर्त लगाते हैं, हम कौन सा पोजीशन ले लेते हैं, हम ले लेते हैं शॉर्ट पोजीशन। ये कौन सा पोजीशन है, ये तो यार हम बढ़ने के लिए काम किए थे, ये लॉन्ग पोजीशन है, तो हम इसका अपोजिट ले लेते हैं शॉर्ट पोजीशन। डर है ना कि गिरेगा, चलो शॉर्ट पोजीशन ले लिया। और कितना पैसा लगा दिया सर इसमें, इसमें मन से बोल रहा हूं, इसमें मान लो मैंने मन से बोला है, लगाते कैसे मैं बता रहा हूं, 5 लाख है और बीटा कितना है 2, तो हमने यहां टोटल मिलाकर 10 लाख रुपया लगा, 10 लाख रुपया कौन सा पोजीशन दिया, शॉर्ट पोजीशन, गिरेगा तो देखा जाए। लगा किस्मत से मार्केट गिरा, हमें वही डर, अगर मार्केट गिरा 10% से तो नो डाउट हमें, ये 10 से गिरा तो ये भी तो गिरेगा, कितने से, 20 से, ऐसा ही हुआ। तो सर इसके गिरने से क्योंकि लॉन्ग पोजीशन है हमें तो लॉस हो गया, बोलो कितने का लॉस हो गया, 5 लाख का 20%। सर 1 लाख रुपए का लॉस हो गया, पर इधर तो हमने ऑलरेडी शर्त लगाया था कि गिरेगा करके, वाकई गिर गया 10 लाख का 10%, हमें यहां प्रॉफिट कितने हो गया 1 लाख का, और ये हमने परफेक्ट हेज कर दिया, परफेक्ट। तो बीटा हमारा कितना रहा, बीटा हमारा रिस्क खत्म कर दिया, बीटा है 2। मार्केट के गिरने से हमारा पोर्टफोलियो भी गिरना चाहिए था, लॉस होना चाहिए था, नहीं हुआ, हमने बीटा को 0 कर दिया, खत्म। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। अच्छा सर ये बात है, इसको बोला जाता है कि बीटा को आपने खत्म, रिस्क खत्म कर दिया। तो हमें एग्जाम में क्या पूछा जाता, हमें एग्जाम में ये पूछा जाता कि बताओ कितना पैसा लगाओगे, कितना पैसा लगाओगे निफ्टी में, और मैंने कैसे निकाला था, 5 लाख इंटू 2, 5 लाख इंटू 2। तो इसको हम फॉर्मूला, हमें एग्जाम में क्या पूछने वाला, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम में पूछने वाला है कि निफ्टी में कितना पैसा लगाओ, तो ये मैंने कैसे निकाला, 5 लाख इंटू 2 की जगह 0 माइनस 2 करी, 0, क्योंकि मुझे 0 मेंटेन करना, बीटा क्या रखना है 0। सर 0 नहीं भी लिखे, 0 नहीं भी लिखोगे तो कोई समस्या नहीं है यार, पर क्या फॉर्मूले में यहाँ कभी कभी टारगेट बीटा 0 ना हो के कुछ और होता ना, इसलिए हम यहाँ 0 लिखते हैं, मैंने फॉर्मूला डेरिवेशन के साथ में समझा। तो सर ठीक है 10 लाख लगाएंगे, लेकिन कभी कभी वो आपसे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूछता है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, एफ इंटू एम इंटू बीटा ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर मतलब मार्केट का बीटा, ये नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, एफ इंटू, और ये क्या किस चीज का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डेरिवेशन समझाना है क्या, नहीं, इसमें कोई समस्या है कि नहीं, ठीक है सर। अगर मैं कहूं 10 लाख रुपया लगाएंगे, किस में लगाएंगे, निफ्टी में, सर निफ्टी का प्राइस है 500, तो नंबर ऑफ निफ्टी निकल सकता है कि हाँ 10 लाख डिवाइडेड बाय 500, डिवाइड ही तो करना पड़ेगा, 10 लाख डिवाइडेड बाय 500, सर 2000 निफ्टी खरीदना पड़ेगा, और एक एक कॉन्ट्रैक्ट में 20 निफ्टी, तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकल सकता है कि यस डिवाइडेड बाय 20, तो 2000 डिवाइडेड बाय 20, तो सर हमको 100 कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट ही तो निकालना। मैंने क्या किया, इस 500 को यहां लिख दिया और ये 20 नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहां लिख दिया, एक एम का मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में कितना निफ्टी, और इसका नाम क्या लिखा, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
ये क्यों रटवा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आने वाला है। ठीक है जी, क्या कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो गया? यस, कॉन्सेप्ट रिवाइज क्या बोलता है कि हमें बीटा को मैनेज करना है, परफेक्ट हैज करना, मतलब बीटा जीरो करना। ऐसा भी बोल सकता था कि बीटा हमको 1.2 रखना है, तो जीरो की जगह हम 1.2 कर। सर ये तो माइनस में आएगा, माइनस में आएगा मतलब शॉर्ट। ठीक है, अब चले जी, हमें पूछेगा कि कितने कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करें। तो ये सब फॉर्मूला लिया है मैंने, फॉर्मूले ये सब समझा चुका हूं, तो मैं अब आगे चलूं। पहला क्वेश्चन उठा रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 44। अच्छा क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन उठा रहा हूं ना मैं, अच्छे क्वेश्चन उठा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 44, टाइम लग जाएगा मुझे तो। देखे लिखा, 1 अप्रैल 2015 को इन्वेस्टर के पास पोर्टफोलियो थे और कितनी सिक्योरिटी थी, 8। 8 सिक्योरिटी, उसका मार्केट प्राइस, उसके नंबर ऑफ शेयर्स, और यहाँ वैल्यू लिखा, एक्चुअली ये बीटा वैल्यू, बीटा है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द इन्वेस्टर इज 20% पर एनम कंटिन्यूसली कंपाउंड। ठीक है, द इन्वेस्टर फियर ए फॉल इन द प्राइस ऑफ शेयर्स इन द नियर फ्यूचर, accordingly he approach you for the advice to protect the interest of his portfolio. ठीक, you can miss current nifty दे रखा, current nifty का मतलब होगा s, nifty future कितना 25, मतलब ये multiplier हो गया number of contract, future for May 8700 and future for June 8850। मांग क्या रहे हो भाई, beta of portfolio, beta of सबसे आसान काम, सबसे वैल्यू निकालिए और वेट निकालिए और मल्टीप्लाई कीजिए, तो वही किया होगा। पहला काम तो मैं कर, ये सब है मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये आ गया वैल्यू, फिर वेट निकाला, फिर बीटा से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया बीटा ऑफ पोर्टफोलियो 1.10। तो दिक्कत की बात नहीं, पॉइंट नंबर वन तो हो गया। पॉइंट नंबर टू, द थियोरिटिकल वैल्यू ऑफ फ्यूचर, थियोरिटिकल एफ निकालना, कब के लिए, मई के लिए और जून के लिए, मई के लिए और जून। अभी क्या है, अप्रैल, तो पूरा अप्रैल, पूरा मतलब 2 महीने बाद के। ठीक है, एस कितना है 8500 और रेट कितना है 20%, तो 2 महीने का रेट देख लेते हैं। तो कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग यूज करना है। सर कहाँ लिखा कंटिन्यूस, लिखा था कंटिन्यूस, तो पहले मई के लिए, मई मतलब 2 महीने, 8500 20% 2 महीने का 0.033। अगर मैं कैलकुलेटर चलाऊं तो यू निकाल लूंगा, अब सुनो बच्चे, यहाँ नंबर कटेंगे आपके, इसलिए कटेंगे क्योंकि कुछ बच्चे एक्सपर्ट होते हो, वो करते होंगे 0.033 डिवाइडेड बाय 4096 प्लस 1 और इनटू इक्वल टू 12 बार करेंगे और उनका आंसर ये वाला आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, पर इस पे आपको नंबर नहीं मिलेगा, यहाँ नंबर कट जाएगा। उसकी वजह है, क्यों है कि नंबर कटेगा, क्योंकि आपको ये वैल्यू दिया है 3% पे और 4% पे और 5% पे, तो आपको इंटरपोलेशन से ही निकालना पड़ेगा, इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं, वो इस तरह 0.03 पर आ रहा है, क्या आ रहा है 1.030, ये लिखना पड़ेगा भाई आपको एग्जाम में, और 0.04 पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.0408। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 0.033 पर कितना आएगा, तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप इस इंटरपोलेशन करते, ये तो आता है आपको, आता है ना, हाँ सी एंटर किया है आप, और वैसे भी ये रिवीजन चल रहा है। ठीक, तो आंसर इतना है, तो ये निकाला 8787। ऐसे ही किसका निकालोगे, जून का निकालोगे, तो जून में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 0.02 × 3/12 0.05, और 0.05 का वैल्यू दिया हुआ है 1.05126।
तो आंसर आ गया 8935.7। यहां तक कुछ पढ़ा ही नहीं, यहां तक बीटा मैनेजमेंट था ही नहीं। आगे ये पूछिएगा, द नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट दैट ही वुड हैव टू सेल, सेल का मतलब शॉर्ट, बताओ शॉर्ट कितना करे, ही डिजायर टू हैज अंटिल जून, जून का हैज करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, पूरा पोर्टफोलियो हैज करना, पोर्टफोलियो है कितने का? सर पोर्टफोलियो है हमारा ये 994,450, तो हमारा फॉर्मूला लगाते पूरा पोर्टफोलियो, बीटा कितना रखना है, बीटा जीरो ही लिखना, 1.102। अब ये क्या है सर, ये 8,850 का मतलब क्या है, कौन सा वाला लेना, एक्चुअल वाला लेना, जो आपने निकाला वो मत ले लेना, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस दिया हुआ है जून का, और जून का कहाँ गया भाई, यहाँ तो नहीं है, इधर होगा, जून का एक्चुअल फ्यूचर प्राइस दिया 8,500, ये वाला लेना आपको, एफ का मतलब एक्चुअल, ठीक है सर। तो बस उससे कॉन्ट्रैक्ट आया 4.95, राउंडेड ऑफ करोगे, राउंडेड ऑफ अपर साइज की लोअर साइज जैसा भी, राउंडेड ऑफ का जो रूल्स है उसके 5 कॉन्ट्रैक्ट, और क्या करोगे, दूसरे में बोला कि 50% हैस करना तो इनटू 50% कर लिया, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गया 2, तीसरे में 120% करना है तो इसका 120% कर लिया, और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना जाएगा, ठीक है, ठीक है सर। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है, ये भी अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 पढ़े, डिटेल ऑफ पोर्टफोलियो शेयर ऑफ इन्वेस्टर्स, यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स दे रखा है, प्राइस पर शेयर दिया है, और बीटा दिया, इन्वेस्टर को लगता है रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इज वेरी हाई, रिस्क का मतलब क्या हो गया, रिस्क का मतलब हो गया बीटा, ठीक, एंड वांट्स टू रिड्यूस, और बीटा कितना करना चाहते हैं, 0.91 बीटा करना चाहते हो, मतलब पोर्टफोलियो का बीटा निकाला नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है कि पोर्टफोलियो का बीटा 0.91 से ज्यादा आएगा, ठीक, इज कंसिडरिंग टू बिलो मेंशन अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी, पहला डिस्पोज ऑफ करना है पार्ट ऑफ हिज एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो टू एक्वायर रिस्क फ्री, ये वैसे पोर्टफोलियो में पढ़ाने वाला हूं कि एक ऐसा भी तरीका होता कि अपने पोर्टफोलियो में से जो रिस्क की सिक्योरिटी है उसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, उसको हटा दीजिए और रिस्क फ्री सिक्योरिटी को ऐड कर दीजिए, ये भी एक तरीका, इससे बीटा क्या, जो रिस्क की सिक्योरिटी है वो चली जाएगी और जो रिस्क फ्री है वो आ जाएगी, तो ये भी एक तरीका है, ठीक, हालांकि पोर्टफोलियो में इन सबके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पोर्टफोलियो का बीटा निकालना पड़ेगा, और पोर्टफोलियो का बीटा निकाल लिया, नंबर ऑफ शेयर्स प्राइस से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आया, वेट निकाला, और पोर्टफोलियो का बीटा आ गया 1.30, ठीक है। टारगेट बीटा क्या रखना, टारगेट बीटा रखना 0.91। तो अब एक ये तरीका है, वेटेड एवरेज पहले से हमारा कितना लगा है 5,000, 1.3 माइनस क्या करेंगे, माइनस सर रिस्क की सिक्योरिटी डिस्पोज ऑफ करेंगे, मतलब एक्स इंटू 1.30, रिस्क की सिक्योरिटी मतलब इसी में से निकालना है, और रिस्क फ्री सिक्योरिटी ले आएंगे तो उसका बीटा तो जीरो है, और नीचे क्या आ जाएगा टोटल, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 1,500,000, मतलब 1,500,000 का रिस्क की सिक्योरिटी को हटाएंगे और उसकी जगह रिस्क फ्री सिक्योरिटी ले आएंगे। इंस्टीट्यूट ऐसे भी सॉल्व करता है, यार बीटा कितना रखना है 0.91, ऐसे हमारा ऑलरेडी कितना है 1.30, बीटा उसका वेट ले लेते हैं, वेट ऑफ ए प्लस रिस्क फ्री का सिक्योरिटी का बीटा जीरो, और 1 माइनस वेट ऑफ ए, ये रिस्क फ्री सिक्योरिटी का बीटा जीरो ही होता है, मतलब ये रिस्क की सिक्योरिटी और रिस्क फ्री सिक्योरिटी, और रखना कितना हमको 0.91, तो ये तो जीरो हो गया, तो वेट ऑफ ए निकालते हैं 0.91 डिवाइडेड बाय 1.30, ऐसा किया है इंस्टीट्यूट ने, उन्होंने सीधा फॉर्मूला लगाया टारगेट बीटा, इसको टारगेट बीटा लिखा और यहां बीटा ऑफ पोर्टफोलियो लिखा, तो ये वेट निकलेगा, वेट किसका निकलेगा, रिस्क की सिक्योरिटी का, जरा देखे 0.91 डिवाइडेड बाय 0.1.30, ये आ गया 0.7,
मतलब टोटल पोर्टफोलियो 5,000 लाख और इसका 70% ये आ गया 3,500 लाख और 30% ये आ गया मतलब रिस्क। ये भी एक तरीका अल्टरनेट आप ऐसे भी कर सकते, टारगेट बीटा डिवाइडेड बाय बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है सर, तो फाइनल हो गया कि हमको 1,500 लाख रुपए का रिस्की सिक्योरिटी बेचना है, रिस्की सिक्योरिटी और उसकी जगह रिस्क भी, पर कितना कौन सी सिक्योरिटी बेचना है, रिस्की ये भी रिस्की है, ये भी रिस्की है, रिस्की ये भी रिस्की है, तो कौन सा वाला सिक्योरिटी बेचना है। इट मीन्स आपसे क्या मांग रहा है, पोर्टफोलियो बीटा निकल गया, वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी ये भी निकल गया, पॉइंट नंबर 3 में बोल रहा नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ईच कंपनी टू बी डिस्पोज ऑफ, ए के कितने शेयर्स बेचोगे, बी के कितने शेयर्स बेचोगे, सी के कितने शेयर्स बेचोगे। सर 1,500 लाख का बेचेंगे तो भाई कितना कितना, तो इसी वेट में जो वेट है ना इसी वेट में बेचेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो 1,500 लाख है उसको बांट दिया 0.3 पॉइंट से, मतलब 450 लाख के ए के शेयर बेच देंगे, 900 लाख के बी के शेयर बेचेंगे और 150 लाख के सी के शेयर बेचेंगे, और शेयर का प्राइस दिया हुआ है, उससे क्या निकल जाएगा नंबर ऑफ शेयर, ये रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की। ठीक है सर, आगे चले। यस, अब इसके बाद क्या होता, द नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट टू बी बॉट और सोल्ड। अब यहां नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट टू बी बॉट और सोल्ड मतलब अब यहां टारगेट बीटा कितना करना चाहते हो, 0.91। तो अब हम इसके हेल्प से नहीं करना चाहते, अब हम इसके हेल्प से करना चाहते, तो ठीक है जी उसके हेल्प से ले लो। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो जो कि है 5,000 लाख, बीटा कितना रखना है 0.91, बीटा ऑफ ये पोर्टफोलियो है 1.30, एफ इंटू एम इंटू, तो 120 कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा सोल्ड हो जाएगा, सोल्ड का मतलब क्या हो जाएगा शॉर्ट पोजिशन, शॉर्ट पोजिशन डाउन साइड। तो हमारा बीटा 0.91 मेंटेन रहेगा। ठीक है जी, ठीक है सर, अब आगे क्या मांग, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बीटा, मान लो मार्केट 2% से डाउन होता है, चलो मान लो 2% से डाउन होता है, तो क्या आप जो बोल रहे हैं कि हमारा पोर्टफोलियो का बीटा 0.91 मेंटेन होगा, वो होगा भी कि नहीं, चलो करके देखते। अब यहां खेल है, ये अच्छा है, ये टॉपिक अच्छा ये है, समझ गए। चलो भाई क्या बोल रहा है, मार्केट 2% से डाउन, तो सर सबसे पहले पोर्टफोलियो पे क्या फर्क पड़ेगा, पोर्टफोलियो का बीटा एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में तो 2 है, नहीं एक्चुअल में 2 नहीं है, एक्चुअल में पोर्टफोलियो का बीटा है 1.30, तो पोर्टफोलियो सर 2.6% से डाउन हो जाएगा, तो सर पोर्टफोलियो पे लॉस हो जाएगा, सीधी सीधी बात। अच्छा राइज हो जाएगा, अभी सुनो यहां ये नहीं बोल रहा, यहां ये बोल रहा है कि मान लो निफ्टी राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा बोल रहा है। अच्छा अगर निफ्टी बढ़ा तो पोर्टफोलियो बढ़ेगा, लेकिन पोर्टफोलियो किससे बढ़ेगा, 2.6% से बढ़ जाएगा, 2.6% से बढ़ जाएगा, बढ़ने से 5,000 + 2.6%, तो सर पोर्टफोलियो हमारा 5,130 रुपए का हो जाएगा। हमने क्या किया था निफ्टी में, सर शॉर्ट पोजिशन लिया था, लेकिन वो तो बढ़ गया, नो डाउट पोर्टफोलियो बढ़ गया, इधर प्रॉफिट हो गया, लेकिन उधर तो लॉस हो गया ना, क्योंकि वहां तो आपने डाउन साइड बेटिंग किया था, तो देखते हैं वहां कितने का लॉस, कितना है 120 कॉन्ट्रैक्ट, 200 रुपए का एक, और एक का कीमत है, एक का कीमत है 8,125, टोटल मिलाकर 200, एक कॉन्ट्रैक्ट में 200 निफ्टी और 120 कॉन्ट्रैक्ट, और कितने 2% का लॉस, तो 39 लाख का आपको लॉस हो जाए। तो आपका पोर्टफोलियो 5,130 से 39 लाख, तो आपका कैश देना पड़ेगा आपको, तो 5,130 माइनस 39, तो टोटल मिलाकर पोर्टफोलियो ही मिसप्रिंट हमारा हो जाएगा 5,091 हो जाएगा, 5,091। और पोर्टफोलियो पहले कितना था 5,000, तो सर 5,091 हो गया, और पहले था 5,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू 100, तो हमें कितने का पोर्टफोलियो बढ़ गया ना एक्चुअल में, यस 8.1.82% से बढ़ गया,
मार्केट बढ़ा 2% से तो आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ा, ऐसा नहीं है, पर कितने परसेंट से बढ़ा? 1.82% से। तो बताओ बीटा क्या है? बीटा निकल गया, बीटा तो निकालना आता है ना। यस सर, चेंज और चेंज इधर नीचे क्या लिखते हैं, चेंज इन मार्केट और चेंज इन स्टॉक, तो बीटा कितना आ गया 0.9। प्लीज कर लेना, सब बेहतरीन वाले क्वेश्चन उठा के करवा रहा हूं, सबसे अच्छे क्वेश्चन जिसमें टाइम भी लग, ऐसे वाले क्वेश्चन। चले जी, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, वाओ क्या क्वेश्चन सेलेक्ट किया है सर आपने, आज क्वेश्चन अच्छा सेलेक्ट किया, मैं फिर से बोल रहा हूँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करवा। क्वेश्चन नंबर 51, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये कब आया था सर? ये आरटीपी में डाला हुआ, एग्जाम में भी आया, और इतना फेवरेट क्वेश्चन है आईसीएआई, बहुत अच्छा क्वेश्चन। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर कंसिडरेशन, बीएसई इंडेक्स दे रखा मतलब स्पॉट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो दे रखा, आरएफ दे रखा, डिविडेंड यील्ड दे रखा, बीट ऑफ पोर्टफोलियो। वी एज्यूम दैट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन बीएसई इंडेक्स विथ 4 month मैच्योरिटी इज यूज टू हैज द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो ओवर नेक्स्ट। क्या कहना चाहता है भाई साहब कि टोटल आपको जो हेजिंग करना है वो तो 3 महीने के लिए करना है, लेकिन यहां से हम 4 month फ्यूचर यूज करना चाहते हैं, 4 month फ्यूचर यूज करना चाहते हैं हेज करने के लिए। हालांकि हम 4 month तक पहुंचेंगे नहीं, हम यही सौदा काट देंगे, सौदा काट देंगे। ये क्वेश्चन तभी समझ में आ सकता जब आपने पहले किया, मैं बहुत स्पीड से नहीं करवा सकता यार। आगे ये बोला है, अभी बाद में, सबसे पहले तो प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एफ निकालना, एफ कौन सा वाला निकालना पड़ेगा, 4 month वाला, तो वो तो निकल ही जाएगा 25,000। बोलो कितना परसेंट है, 9 - 6 × 4/12 तो आ गया 25,250। एक का प्राइस आया 25,250, तो एक कॉन्ट्रैक्ट में कितना है सर, एक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ दिया है कि? तो एक कॉन्ट्रैक्ट का हो गया 12,62,500 का, ठीक है जी, यहां तो कोई दिक्कत। आगे क्या बोला, आगे लाइन इंपॉर्टेंट है, गेन ऑन शॉर्ट फ्यूचर पोजीशन इफ इंडेक्स कितना हो जाता है, 22,500 हो जाता है 3 month। अभी इंडेक्स कितना है सर, अभी इंडेक्स है 25,250, निकाल लिया है। अब सुनो, आपका कौन सा पोजीशन है शॉर्ट, 25,250 से कम होगा, आपने ऐसी बेटिंग किया है, और आप कहां पहुंच गए, आप यहां पहुंच गए 3 महीने बाद, और 3 महीने का रेट दिया है क्या, यस सर 22,500, यहां गलती मत करना 22,500। तो सर ये तो कम हो गया, और कम हो गया तो हमें गेन हो गया, नहीं बेटे, ये जो कटता है ये कौन से मंथ का है, 4 month, तो ये जो कटेगा तो ये भी आपको 4 month वाला ही लेना, भले तीसरे महीने में काटो पर 4 month फ्यूचर ही लेना पड़ेगा, ये मैं आपको समझा चुका हूं, इसको मैं अभी यहां नहीं एक्सप्लेन। तो सर ये कहां से निकलेगा 4 month, 3 month में हम खड़े, हमें 4 month वाला पता कैसे लग जाएगा, लग जाएगा, ये वाला ये कैसे पता लगा था सर, यहां का जो स्पॉट था ना, इससे हमने 4 महीने आगे का इंटरेस्ट ले लिया, तो यहां भी तो स्पॉट मान लो, इससे 1 महीने आगे वाला ले लो, ठीक है, वही मैंने यहां काम किया है, 25,000 का, 25,000 नहीं 22,500 गलत है, 22,500 का मैंने 1 महीने का, तो ये भी क्या निकला, ये भी 4 month, और ये क्या है, ये भी 4 month है, ये भी 4 month फ्यूचर है जो कि आज अवेलेबल था जिसपे मैंने बेटिंग किया शॉर्ट पोजीशन, ये भी 4 month फ्यूचर है, लेकिन ये अवेलेबल कब है, 3 महीने बाद है, मतलब एक 1 month फ्यूचर, 1 month फ्यूचर बोल सकते, ये 1 month मतलब दोनों ही एक ही डेट के, ठीक है, और इसके लिए भी मेरा लेक्चर देखना पड़ेगा अगर ज्यादा दिक्कत।
अब देखो 25,250 से 22,526 हो गया इंटू 50 इंटू 6, तो आपको गेन हो रहा 8,08,000। और इसको ऐसे भी करके दिखा दिया, ठीक है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी कर दिया, शॉर्ट उसने बोल दिया शॉर्ट के लिए, तो इसके सेकंड वाले पार्ट की हमको जरूरत है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन देखकर जा, बीटा मैनेजमेंट प्लीज, डेरिवेटिव में अगर कुछ देखकर जाना है तो वो है बीटा मैनेजमेंट। मेरी कोशिश ये चल रही है कि मैं सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूं। ये तो टाइम पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 पर एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए क्या है जरा देखें। श्याम ने बाई किया है, मतलब कौन सा पोजिशन, लॉन्ग 10,000 शेयर 25 के हिसाब से, 10,000 × 25, तो सर ये तो 2,25,000, 2,50,000 लॉन्ग पोजीशन है, बढ़ेगा तो फायदा। और कंप्लीट है इसके लिए आपने शॉर्ट किया है कितना, 400 निफ्टी × 1,100, मतलब आपने 4,40,000 का शॉर्ट किया, कम होगा तो फायदा। उसने पोजीशन क्लोज किया अगले दिन जहां शेयर गिर गया 4%, तो ये तो लॉस हो गया, 2,50,000 × 4% का लॉस हो गया, 10,000 का लॉस हो गया। और निफ्टी भी गिर गया तो यहां तो प्रॉफिट हो गया कितना, 2.5%, तो सर 4,40,000 × 2.5% का प्रॉफिट, तो यहाँ 11,000 का प्रॉफिट, तो ओवरऑल क्या सिचुएशन है, 1,000 का प्रॉफिट। तो इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या सर, छोड़ दो ना, चले आगे, थक गए हो गए, मैं भी थक गया, पर क्या करें, हमारी किस्मत में आराम नहीं लिखा है। चलो जी आगे लेकर चल रहा हूं, ये क्वेश्चन कहां से उठाया, ऐसे में न्यू सिलेबस में डाला। एक बात अच्छे से समझ लीजिए, आपको अपोजिट पोजीशन लेना है, हेज करने के लिए आपको अपोजिट पोजीशन ही लेनी पड़े, ठीक है, बस ये बात समझना है, बाकी और कुछ लिखा हुआ है। Which position on the index future gives a speculator a complete hedge against the following transaction? The share of Right Limited is going to rise. ठीक है, इसका पोजिशन कौन सा है सर, लॉन्ग पोजिशन, कितना रुपए है कैश मार्केट में, 50,00,000, तो आपको अपोजिट पोजिशन लेना पड़ेगा क्या, शॉर्ट और बीटा से मल्टीप्लाई कर देना, तो वही किया है। आपका ऑलरेडी कौन सा पोजीशन है, लॉन्ग 50,00,000 का, तो 50,00,000 तो 62,50,000 का आप कौन सा पोजीशन ले लोगे, शॉर्ट, अपोजिट हैज करना तो अपोजिट पोजीशन। ऐसे किसकी बात कर रहा है, रॉन्ग लिमिटेड, इसका पोजीशन क्या है सर, शॉर्ट है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 25,00,000 × 0.9 करके कौन सा पोजीशन आ जाएगा आपका, लॉन्ग। ऐसे इसकी बात है, यहां शॉर्ट पोजीशन है 20,00,000 का, तो मल्टीप्लाई करके लॉन्ग, तो यार मार्केट में मैं शॉर्ट पोजीशन भी लूंगा लॉन्ग पोजीशन भी लूंगा, तो नेट कर लो ना यार, नेट करने से 25,00,000 का मुझे कौन सा पोजीशन लेना पड़ेगा, शॉर्ट, मार्केट में 25,00,000 का मैं शॉर्ट पोजीशन ले लूंगा, तो मेरा परफेक्ट हैज हो जाएगा। सर परफेक्ट हैज कैसे होगा, इसको समझाओगे, नहीं इसको यहां नहीं समझा सकते, इसके लिए तो क्लास ही देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 60, ये भी अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, पढ़े जी। यस, राम बाय 10,000 शेयर ऑफ एक्स, बाय मतलब लॉन्ग पोजिशन, 10,000 शेयर अपेक्स कितने के हिसाब से, 22 के हिसाब, और उसका बीटा कितना है, 1.5, तो एक्स लिमिटेड का ऑलरेडी आपका लॉन्ग पोजीशन है 10,000 × 22,00,000, 10,000 × 22 2,20,000 होता है क्या, हाँ 2,20,000, और बीटा 1.5, तो अगर ये लॉन्ग पोजीशन है तो मुझे अल्टीमेटली क्या लेना पड़ेगा, शॉर्ट। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा
ए लिमिटेड है, सेल किया मतलब शॉर्ट पोजीशन है, 5000 शेयर है, कितने का है 40 का, तो 5000 × 40 2 लाख का कौन सा पोजीशन है सर? सर 2 लाख रुपए का आपका शॉर्ट पोजीशन है, तो लॉन्ग लेंगे, इसका बीटा कितना है 2, शॉर्ट पोजीशन 2 लाख × 4 लाख, ठीक है यहां तक बोल क्या रहा है? ही ऑप्टेन अ कंप्लीट हैश बाय निफ्टी फ्यूचर एज 1000 ईच, आपने कंप्लीट हैश कर लिया, ठीक है कर लिया ना यार, हमने ये पोजीशन ले लिया कितना 70000 का नेट में, क्या ले लिया लॉन्ग निफ्टी में, हमने बेटिंग किया कि निफ्टी बढ़ेगा, ठीक, और कितना पैसा लगाया 70000 रुपए लगा चुका है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकाल लिया, हालांकि क्वेश्चन में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं मांगा है, पर उसने निकाल, उसने आईसीएआई ने निकाला तो हमने भी निकाल दिया। अब वो यहां पिक्चर क्या बना, वो पूछते कि बोले जिस जब आपने पोजिशन क्लोज किया तो एक्स लिमिटेड गिर गया 2% से, एक्स लिमिटेड का ऑलरेडी कौन सा पोजीशन था लॉन्ग, बढ़ना चाहिए था, गिर गया कितने परसेंट से 2%, सर यहां तो लॉस हो, कितना लगा था एक्स लिमिटेड, सर 2,20,000 लगा था, और इसका 2% मतलब 4,400 का लॉस। इसके अलावा यहां आपने शॉर्ट डाउनसाइड बेटिंग किया था तो ए लिमिटेड बोले बढ़ गया 3% से, ये लो अपोजिट जैसा सोचा था उल्टा हो गया, ये बढ़ गया, हो जाता है ऐसा कई बार, तो बढ़ गया तो यहां भी लॉस 2,03% कितना 6,000 का लॉस। अब निफ्टी में हमने लॉन्ग पोजीशन लिया था तो निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी गिर गया, ये लो और बर्बाद, पूरी तरह से बर्बाद हो गया, और टोटल मिलाकर हमको 11,450 का लॉस, ठीक है जी, ठीक है सर। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन, चले जी आगे और, यस सर, क्वेश्चन नंबर 61, इसके बाद क्वेश्चन है कि बीटा मैनेजमेंट का, इसके बाद भी क्वेश्चन है बीटा मैनेजमेंट का, इसके बाद तो सिंपल क्वेश्चन, तो तीन क्वेश्चन है बीटा मैनेजमेंट का और करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन नंबर 61, अच्छा क्वेश्चन नंबर 61 में बहुत सारे मेथड होते हैं बीटा निकालने का, प्लीज मत करना जैसे मैं करवा रहा हूं वो करना, क्वेश्चन नंबर 61 को, क्या लिखा जरा देखते हैं, लिखा मिस्टर एक्स के पास पोर्टफोलियो ऑफ शेयर वर्थ ₹170, एक पोर्टफोलियो है जिसमें सिर्फ शेयर है और वो कितने का है 170 लाख एट करेंट प्राइस, और इसके अलावा भाई साहब उसके पास कैश भी है कितने रुपए का है 30 लाख। पोर्टफोलियो में दो टाइप का, एक शेयर स्टॉक से और एक कैश, स्टॉक है 170 लाख का, कैश है 30 लाख, और बीटा ऑफ शेयर पोर्टफोलियो इसका बीटा कितना है 1.6 और इसका बीटा तो 0 होता है। 3 महीने बाद बोले शेयर जो है वो ड्रॉप्ड हो जाएगा 3.2% से, सोचा जाएगा क्या कर, करंट पोर्टफोलियो बीटा मांग रहा है, तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो वेटेड एवरेज 170 × 1.6 30 × 0 / 200, तो वेटेड एवरेज निकाला, वेटेड एवरेज निकाला तो ये आ गया 1.36, पहले वाले पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। दूसरे वाले पॉइंट में आपको बीटा निकालना है और कब का निकालना, 3 महीने बाद का, ठीक है। इफ मिस्टर एक्स ऑन करंट डेट गोस लॉन्ग पोजीशन लिया है 200 लाख निफ्टी फ्यूचर, अब सुनोगे मेरी बात, आपके पास 3 चीजें है देखा जाए तो, आपके पास कैश है 30 लाख का, आपके पास शेयर है 170 लाख का, और आपने निफ्टी में भी लॉन्ग कर रखा है कितना 200 लाख। शेयर का बीटा कितना, शेयर पोर्टफोलियो का, शेयर पोर्टफोलियो का बीटा, इसका बीटा है 1.6,
काश ये बीटा का मतलब बता दे, 1.6% नहीं 1.6, सर इसका मतलब ये है निफ्टी गिरेगा 1%, निफ्टी गिरेगा तो शेयर भी गिरेगा कितने परसेंट से, 1.6% से। इसका मतलब ये, इसका मतलब सर 2% वाला करके, यस सर 2% वाला ऐसा है, अगर निफ्टी गिरेगा 2% से तो शेयर गिरेगा, डबल कर लो 1.6 का डबल 3.2%, ठीक, निफ्टी गिरेगा 2% से तो ये गिरेगा 3.2% से, ये मतलब होता है। पर अगर वो बोलता है कि बताओ ये गिरेगा 3.2% से, वो बता देगा कि ये गिरेगा 3.2% से, तो बताओ निफ्टी कितने से गिरेगा, तो वो तो निकाल लेंगे ना यार 3.26 डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये तो 2% आ जाएगा, ये मतलब है। वैसे तो ये बता देता तो हम ये निकाल लेते, इस बार ये बता दिया तो हम ये निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो वही बोल रहा है कि यार शेयर ड्रॉप्ड होने वाला 3.2% से, तो ये गिरेगा 2% से। क्या यहां मेरा लॉन्ग पोजीशन है, यस, क्या यहां मेरा लॉन्ग पोजीशन है, और कैश में तो कोई बीटा होता नहीं, ये गिरा तो यहां तो लॉस है, कितने का लॉस है जरा देखते हैं सर, 170 का कितना 3.2% सर, यहां लॉस है 5.5 और यहां भी लॉस है 200 का 2% सर, यहां भी लॉस है 4 का, तो मेरा जो टोटल पोर्टफोलियो है उसमें इतना लॉस है, तो बताओ पोर्टफोलियो लास्ट में बचा कितना सर, ये तो 200 तो बैटिंग थी, इसको छोड़ दो, तो सर 30 में से जो मेरा लॉस है उसको माइनस कर दूं क्या, यस माइनस 4 कर देता हूं, ये तो निफ्टी का है ना, मेरे तो मार्जिन 30 लाख में से मेरा कैश कम हो गया सीधा सीधा, तो 30 माइनस 4 तो सर 26 लाख कैश ही बचा, और पोर्टफोलियो गिर के कितना हो गया सर, 170 माइनस 5.44 तो सर वो हो गया 164.56 प्लस 26, तो सर 26 प्लस 164.56 तो सर मेरा पोर्टफोलियो हो गया 190.56। और पहले पोर्टफोलियो कितना था, 200 लाख था सर, इसकी वजह से ये हो गया, तो बताओ पोर्टफोलियो कितने परसेंटेज से डाउन हो गया सर, पोर्टफोलियो डाउन हो गया 200 माइनस 190.56 डिवाइडेड बाय 200 इनटू 100 1.7% से पोर्टफोलियो गिर गया, और मार्केट कितने से गिरा 2%, 1.72 या कितना आ रहा है 200 माइनस 190.56 डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय 4.72%, ठीक, बाकी ये देख लो क्या। तो पोर्टफोलियो बीटा अगर मार्केट 2% से गिरा तो मेरा पोर्टफोलियो गिरा 4.72% से, तो उस हिसाब से पोर्टफोलियो बीटा आफ्टर 3 मंथ है 2.36, ठीक है जी, इस क्वेश्चन को भी देखना पड़ेगा बिना टाइम बर्बाद करे आगे चलते हैं। चलो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग बीटा मैनेजमेंट का, उसके बाद कमोडिटी फ्यूचर है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी क्वेश्चन नया है, मैंने मेरी कोशिश क्या रही है, मेरी कोशिश यही रही है कि यार एक भी नया क्वेश्चन जिसमें एक छोटा सा भी पॉइंट है ना बचे ना हो जाए बस, ओके रिवीजन हो रहा है ठीक है, पर सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए ना तो बहुत अच्छा है। टारगेट यही है कि यार एक भी नया पॉइंट, एक भी कोई पॉइंट छूटे ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कवर। तो लिखा है मिस्टर एसजी सोल्ड, सोल्ड का मतलब इस सर ये हो गया शॉर्ट पोजीशन, 5/4 मंथ निफ्टी फ्यूचर ऑन 1st February 2020 पर ₹9 तक एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ ट्रेडिंग ऑन द लास्ट थर्सडे May 2020 एक्सपायरी इंडेक्स टर्न आउट टू बी 2100, कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर इज 75। बेस्ड ऑन द अबो इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्राइस ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1st February 2020। सर क्या कहना चाहता है एक्चुअल में, क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं, यह आज
जब समझा ही रहा हूं तो थोड़ा अच्छे से समझा। यह आज और यह चार महीने बाद, तो आज की डेट कौन सी है? आज की डेट है 1 फरवरी 2020, और चार महीने बाद के डेट कुछ दिया नहीं है, मई 2020। ठीक है, मई 2020। ठीक है, वो क्या मांग रहा है जरा समझने की कोशिश करते। बोले 1 फरवरी 2020 को, 1 फरवरी 2020 को हमने 9 लाख रुपया लगाया। ठीक है, एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ ट्रेडिंग ऑन लास्ट थर्सडे, जो मई 2020 को इंडेक्स हो गया, बोले यहाँ हो गया 2100। ठीक, यहाँ जो इंडेक्स हो गया एक्चुअल में 2100 हो गया। तो सर हमने जो बैटिंग किया है वो कौन सी बैटिंग किया? सर हमने शॉर्ट पोजीशन लिया था, यहाँ शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन कितने रुपए लगा दी थी? सर हमने लगा दिया था 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए में क्या खरीदा था? सर 9 लाख रुपए में हमने 5 कॉन्ट्रैक्ट लिया था, डिवाइडेड बाय 5, तो एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हो जाएगी। यस, 9 लाख डिवाइडेड बाय 5 कॉन्ट्रैक्ट, तो सर एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू आ गई 1,80,000। सुनना ध्यान से, सर हमने ना 1,80,000 रुपये लगा एक कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई एक कॉन्ट्रैक्ट में नंबर्स कितने हैं निफ्टी के? बोले 75 है। चलो 75 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 75, तो सर एक निफ्टी का 2400 रुपये भाव था। अब इंपॉर्टेंट है, ये 2400 रुपए स्पॉट प्राइस निकला कि इस डेट में मई का फ्यूचर प्राइस निकला? इंपॉर्टेंट, ये स्पॉट प्राइस नहीं है सर, ये स्पॉट प्राइस नहीं है, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सुनोगे ध्यान, ये स्पॉट प्राइस नहीं है, स्पॉट प्राइस नहीं, क्योंकि आपने जो पैसा लगाया है 9 लाख, वो पैसा जो लगाया है वो तो फ्यूचर प्राइस पे लगाया है ना। आप ये कह रहे हो, आप यहां खड़े हो और ये कह रहे हो कि यार हमने शॉर्ट पोजीशन लिया है कि जो मई में है वो निफ्टी का प्राइस 2400 से नीचे जाएगा, 2400 से नीचे जाएगा, हमने ये, तो ये क्या निकला? ये फ्यूचर का प्राइस निकला, और हो कितना गया? 2100। तो सर स्पॉट प्राइस क्या है? वो हमें जरूरत ही नहीं है, 2400 से 2100 हो गया, तो ये हमें प्रॉफिट हो गया, बात खत्म करो। प्रॉफिट अगर मैं देखूं सीधी सीधी बात, तो 2400 माइनस 2100 इंटू कितना कॉन्ट्रैक्ट है, 75 इंटू 5 आंसर आ जाएगा, अगर प्रॉफिट लॉस। लेकिन प्रॉब्लम ये है, उसने प्राइस मांगा है, ठीक है, ये मांगा है। पॉइंट नंबर टू क्या है आखिर? अप्रोक्सीमेट निफ्टी सेंसेक्स ऑन 1 फरवरी 2020 निफ्टी का प्राइस मांगा, अप्रोक्सीमेट। If the price of future contract on same date was theoretically correct, price of future, बोले ये जो प्राइस है ना, प्राइस एफ, वो थियोरिटिकली करेक्ट है। मतलब सर एफ निकालने का फॉर्मूला हुआ करता था, क्या होता था? एस 1+R-D, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता था। यस, पर ये जो एफ निकलता था ये एक्चुअल निकलता था कि थियोरिटिकल? थियोरिटिकल। तो वो ये कह रहा है कि वैसे तो एक्चुअल एफ 2400 है, लेकिन थियोरेटिकली करेक्ट है, थियोरेटिकली जो एफ है वो भी 2400 रुपए है, ये समझाने की कोशिश कर रहा है। अगर बोले आपको हम ये देते, आपको ये देते, तो क्या आप एस निकाल सकते हो? हाँ जी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और वो दे दिया है, रिस्क फ्री का रेट दिया है और डिविडेंड यील्ड दिया है, तो इसकी मदद से मुझे नहीं लगता कि एफ निकालने में आपको कोई दिक्कत होगी। एस निकाल, F कितना निकला 2400 और S कितना निकला 2376.2। क्या ज्यादा है F, और ज्यादा होना ही चाहिए। अब सुनो, एक शब्द यूज होता है स्पॉट प्राइस से, क्या फॉरवर्ड प्राइस ज्यादा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, होना ही चाहिए।
ऐसा मार्केट को बोलते हैं कॉन्टेंगो मार्केट। कॉन्टेंगो मार्केट, कॉन्टेंगो का मतलब होता है सीधा बदला, सीधा बदला से ज्यादा, एफ ज्यादा है मतलब सीधा बदला। सर अगर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि स्पॉट से फ्यूचर का प्राइस कम हो, ऐसे मार्केट को बोलते हैं बैकवर्डेशन। बैकवर्डेशन को बोलते हैं उल्टा बदला, एफ ज्यादा है तो सही भी है, ऐसे मार्केट को बोलते हैं कॉन्टेंगो। एफ कम है तो ऐसे मार्केट को बोलते हैं बैकवर्डेशन, और एस में से एफ माइनस करते हैं इसको बोलते हैं बेसिस। बेसिस, और बेसिस नेगेटिव कब आएगा सर? जब एफ ज्यादा है, और एफ ज्यादा है तो ऐसे मार्केट को क्या बोलते हैं? कॉन्टेंगो। ये मान लिया था, इस पॉइंट की वजह से मैं करवा रहा हूं, वैसे ये क्वेश्चन अच्छा, ये भी करके जाना चाहिए। और बाकी ये तो मैंने निकाल ही दिया था कि यार प्रॉफिट या लॉस निकाल। तो इस क्वेश्चन में बड़ी सारी अच्छी बातें हैं, अगर इस क्वेश्चन को करना चाहोगे तो पक्का करो, ये क्वेश्चन भी अच्छा, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड निकाला। कुछ बच्चों का मैसेज भी था मुझे कि सर जो सीट में दिया इतना क्वेश्चन करने सफिशियंट है भाई, रिवीजन में और क्या करोगे इससे ज्यादा, अब या तो कर लो फिर 25 घंटे की क्लासेस, इतना सफिशियंट। ठीक है जी, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी होमवर्क लिख लिखा। इस क्वेश्चन में एक गलत एजम्पशन है कि उसने कैश को पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं माना है, ऐसे कैसे होता है, चलो पर ठीक है इसको कर लो। अब बात आती है कमोडिटी फ्यूचर की, बस खत्म होने वाला कमोडिटी फ्यूचर। इट मीन्स हमने ऑप्शन किया, फ्यूचर किया, और फ्यूचर में लास्ट कर रहे हैं कमोडिटी फ्यूचर। इसमें क्या है जरा सुनो, कमोडिटी मतलब आयरन वायरन की बात कर लो, ठीक है सर, स्टील की बात कर। अगर मैं कहता हूं मुझे ये डिसाइड करना, मेरे पास दो तरीके, स्टील का रेट फ्यूचर में बढ़ने वाला है, स्टील टन में बिकेगा, तो आज क्या टन है, मन से बोल रहा हूं, मान लो आज 5,000 रुपए पर टन स्टील का रेट, 5,000 रुपए पर टन, और मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टील का रेट बढ़ने वाला है, तो सर आज ही खरीद लो, खरीद के रख लो ढेर सारा, ढेर सारा खरीद के रख लीजिए, क्या दिक्कत है आपको, फ्यूचर में बढ़ने वाला है। या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट कर दो, और कॉन्ट्रैक्ट में कोई कह रहा है कि भाई मैं आपको आज से 1 साल बाद 5,100 में स्टील पर टन देने को तैयार, अनुमान लगाएंगे ना। अगर हम आज ही स्टील रख लेते हैं तो 5,000 रुपए तो एक टन पे खर्च होगा होगा, प्लस 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 इंटरेस्ट कॉस्ट, ठीक है सर वो तो हम 1+R करते हैं, ठीक, प्लस और किस किस स्टोरेज का भी तो खर्चा आएगा, एक साथ माल भरोगे स्टोरेज भी है, अच्छा सर तो इसके अलावा स्टोरेज भी कॉस्ट लगेगा, यस स्टील एक साथ भरने से समस्या है यार स्टोरेज का लगता है, उससे अच्छा तो कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, अभी भर के मत रखिए स्टॉक, कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, बात खत्म, 1 साल बाद जब लगेगा तो देखा जाएगा, फिर तो मिल ही जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट करने से एक समस्या है, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते आज स्टील भर के नहीं रखते, और बीच में अगर हमें मजबूरी में स्टील लगा तो कहां से लाओ, भर लेते तो ज्यादा कन्वीनियंस होता, पर अब यहां तो आपको दिक्कत पड़ जाएगी। तो एक चीज का लॉस है वो इसको बोलते हैं कन्वीनियंस यील्ड। सर ये कैसे आएगा कन्वीनियंस यील्ड, आपको चिंता नहीं करना। इट मींस पर यार ये दिक्कत है, हम क्या करते हैं, ये कब लगने वाला है, हम स्टोरेज कॉस्ट तो हम क्या करते हैं, स्पॉट प्राइस ले लेते हैं, प्लस स्टोरेज कॉस्ट का प्रेजेंट वैल्यू ले लेते हैं, माइनस कन्वीनियंस यील्ड का प्रेजेंट वैल्यू और कन्वीनियंस यील्ड ले लेते हैं, और फिर सबको एक साथ 1+R कर देते हैं, और क्या निकल जाता है, एफ। कमोडिटी फ्यूचर का फॉर्मूला है, एफ कैसे निकाला जाएगा, एस प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टोरेज कॉस्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कन्वीनियंस यील्ड, और फिर हम फ्यूचर वैल्यू निकाल, ठीक। तो ये सारी चीजें, यहाँ भी मार्जिन वार्जिन है, पर ये आपके काम का फॉर्मूला है, स्पॉट प्राइस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टोरेज कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू 1+R। हमें कमोडिटी फ्यूचर में दो ही चीज आएगा, इसमें क्या होगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, कहेगा ये निकालो, वो तो निकाल ही लेंगे। और दूसरा क्या पूछा जाएगा, हैज रेशो।
इट मीन्स एक ये वाला पूछा जाएगा और एक ये वाला पूछा जाएगा, दो चीज आपसे मांग जाए। चलिए बात करें, पहले एक क्वेश्चन इसका बना लेते, एक क्वेश्चन इसका बना लेते और बात खत्म करते। क्या स्पॉट प्राइस दिया है? यस। क्या फ्यूचर प्राइस भी दे दिया है एक साल बाद का? आरएफ दिया है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टोरेज कॉस्ट दिया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कन्वीनियंस दिया। तो इसमें समझाने वाली कुछ बात, वन प्लस आर का प्रेजेंट वैल्यू निकाला, आंसर आ गया सेवन। फॉर्मूला फॉर्मूले में पुट करेंगे आंसर। ठीक है, आगे एक हैज रेशो, हैज रेशो का मतलब क्या? बस खत्म कर रहे क्लास को। हैज रेशो का मतलब क्या है? मैं कहता हूं यार, मैंने स्टील है मेरे पास, या फिर राइस, राइस अच्छा है, और मुझे राइस की जरूरत, या स्टील की, यार सीधा सीधा स्टील, स्टील की जरूरत है एक साल बाद, डर किस बात का? सर रेट आज 5000 है, तो मुझे डर है कि कहीं 5000 से ऊपर ना हो जाए, बस इस बात का डर है, इसी बात का डर है। तो एक काम करते हैं ना, स्टॉक मार्केट चलते। सर स्टॉक मार्केट से स्टील खरीदोगे क्या? खरीदोगे नहीं, शर्त तो लगा सकते। किस बात का डर? सर इस बात का डर है कि कहीं बढ़ ना जाए। तो चलो स्टॉक मार्केट में हम कौन सा पोजीशन ले लेंगे? लॉन्ग पोजीशन ले लेंगे। बात करता हूं, पर इसके लिए हमें बीटा की जरूरत पड़ती है, और क्योंकि ये कमोडिटी है तो इसका बीटा नहीं मिलेगा, तो बीटा निकालना पड़ेगा। रिग्रेशन एनालिसिस। बीटा कैसे निकालते हैं? बीटा ज्यादा मजा तब आता जब पोर्टफोलियो पहले हो जाता, पर चलो ठीक है। सर बीटा वैसे तो होता था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इनटू कोरिलेशन, यही फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्पॉट और मार्केट आ जाता है नीचे, और फिर बीटा, इसको बीटा ना बोलकर हैज रेशो करवा रहा हूं। इस क्वेश्चन को देखा, अ कंपनी इज लॉन्ग ऑन 10 मेट्रिक टन ऑफ कॉपर। एक मैट्रिक टन में कितना केजी होता है? 1000। कितने के? 474 रुपए पर केजी के हिसाब से। लॉन्ग पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन है मतलब ऑलरेडी होल्ड करके रखा हुआ है, एंड इंटेंड टू रिमेन मतलब कितना रखा है? सर 1000 × 470, कितना आपका कौन सा पोजीशन है? लॉन्ग पोजीशन। The standard deviation of change in spot और change in future, change in spot, change in future और 0.75, तो इससे हैज रेशो तो निकल ही जाएगा। 4/6 × 0.7 हैज रेशो आ गया 0.5। मतलब सर बात समझ में आ गई कि फ्यूचर में जितने का चेंज होगा उससे 0.5 मतलब मार्केट गिरेगा तो स्पॉट भी गिरेगा, और कितने परसेंट से गिरेगा? 50% से। हैज रेशो निकालना, निकाल लीजिए। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कॉपर फ्यूचर? इट शुड बी शॉर्ट टू अचीव अ परफेक्ट हैज। तो जो भी था उसमें परफेक्ट हैज के लिए बीटा से मल्टीप्लाई करना होता है, ये तो हमको पता है, तो वही हमने किया। जो भी था हैज रेशो निकाल लिया, और जो अमाउंट था उसमें बीटा को मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतने का हमको शॉर्ट पोजिशन लेना। कमोडिटी फ्यूचर से क्वेश्चन नहीं, पर ये क्वेश्चन करके चले जाना, पता लगा शुरू। ठीक है सर, हो गया है कि खत्म? यस, लगभग खत्म हो गया। एक क्वेश्चन और उठाया, आरटीपी नवंबर 2020 और मई 2019 एमटीपी। ये क्वेश्चन क्यों उठाया वो भी मैं समझाऊंगा, पर अच्छा क्वेश्चन। राइस ट्रेडर हैज प्लान टू सेल, सेल करना है 22000 केजी। कब करना है? आज से 3 महीने पर। किस बात का डर है? फ्यूचर में कहीं रेट कम ना हो, पर अभी तो होल्ड करके रखा है ना, अभी आपका लॉन्ग पोजीशन है, और जिस बात का डर है उसमें बेटिंग कर लेंगे। तो स्पॉट प्राइस है 60 रुपए पर केजी, एंड 3 मंथ फ्यूचर जिस पे आप बैटिंग कर सकते हैं 59। अब बैटिंग क्या करोगे? 59 से कम होने का, जिस बात का डर है उसी में। कॉन्ट्रैक्ट साइज है 1000 केजी, प्राइस ऐसा लग रहा है कि 56 हो जाएगा। टू इंटरप्रेट द पोजिशन ऑफ ट्रेडर इन कैश मार्केट, कैश मार्केट में कौन सा पोजिशन है अभी, कौन सा पोजिशन है? क्योंकि आपने होल्ड करके रखा है इसलिए आपका लॉन्ग पोजिशन। ट्रेडर वांट टू सेल इन फ्यूचर बट ही होल्ड कमोडिटी नाउ, और ये उम्मीद है कि प्राइस बढ़ेगा, इसलिए आपका कैश मार्केट में कौन सा पोजिशन है? लॉन्ग। थ्योरिटिकल था। दूसरा,
ट्रेडर को एडवाइस क्या दोगे फ्यूचर, भाई शॉर्ट कर लो, बचना है तो शॉर्ट तो करना ही पड़ेगा, तो ट्रेडर को क्या एडवाइस दोगे, टू एडवाइस द ट्रेडर, एडवाइस द ट्रेडर में आ जाएगा ट्रेडर टुक शॉर्ट पोजिशन भाई सर फ्यूचर मार्केट, ठीक ठीक है सर, यहाँ कोई अब सुन, आपने शॉर्ट कर लिए 59 से, और 59 से रेट क्या हो गए सर, रेट 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 फ्यूचर मार्केट की बात क्या है, हाँ स्टॉक एक्सचेंज की बात सर, 58 हो गए, 59 से 58 हो गए आपका एक रुपए का फायदा, और राइस जो है वो एक्चुअल में कैश मार्केट में 57 का बिकेगा, तो आपको इफेक्टिव प्राइस क्या पड़ेगा सर, इफेक्टिव प्राइस हमको 58 ही तो पड़ेगा, 3 महीने बाद हम 57 का बेचेंगे और स्टॉक एक्सचेंज से हमें एक रुपए का फायदा हो जाएगा, 58 पड़ेगा इफेक्टिव प्राइस, ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन। एंड द लास्ट क्वेश्चन और हमारा डेरिवेटिव का, ये क्वेश्चन एक्चुअल में बायनोमियल का, कॉल ऑप्शन की बात हो रही, एक्सरसाइज प्राइस है 26,000, ठीक है, 3 महीने बाद प्रीमियम देना पड़ा 1,010, 3 महीने बाद 27,300 भी हो सकता है, 24,700 भी हो सकता है, एट द मनी है और आर दे रखा है 12%, तो बताइए प्रीमियम क्या होना चाहिए, प्रीमियम जस्टिफाइड है कि नहीं, बाइनोमियल ट्री यूज करके करोगे, यहाँ एक्सरसाइज प्राइस दिया और स्पॉट प्राइस, ठीक ये कर दिया, तो इससे हमने प्रोबेबिलिटी निकाला, प्रोबेबिलिटी को यूज किया तो फाइनल आंसर निकाल लिया आपने 1,010 और प्रीमियम इज इक्वल टू वैल्यू, ये क्वेश्चन मैं करवाया नहीं हूं पर डाल दिया कि प्लीज आप कर लीजिए, खत्म भाई, लंबा खिंचा गया डेरिवेटिव्स, लंबा इसलिए खिंचाया आपके कमेंट्स की वजह से, आपके कमेंट्स की वजह से बार बार कमेंट सर क्वेश्चन पूरे कवर सर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा, तो लो सब कुछ कवर करवा दिया, क्वेश्चन लगभग कवर कर भाई, अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूं प्लीज, मुझे नहीं लगता कि यार कोई भी चैप्टर छोड़ना चाहिए, अब कुछ बच्चे मैसेज करते हैं छोड़ देना चाहिए, क्यों छोड़ देना चाहिए यार, अगर देखा जाए डेरिवेटिव में ऑप्शन और फ्यूचर हो गए, ऑप्शन में अगर देखोगे तो ऑप्शन में कुछ था नहीं, एक तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन था, एक बाइनोमियल था, बाइनोमियल में मल्टीपल टू पीरियड बाइनोमियल मॉडल था, ठीक, पुट कॉल पैरिटी आता नहीं, बीएसएम का एक क्वेश्चन कर लेंगे तो खत्म हो गया ऑप्शन, ऑप्शन स्ट्रेटजी का एक क्वेश्चन करेंगे तो बचा क्या ऑप्शन, अब खुद सोचो, फ्यूचर में वैरायटी जो कैटेगरी हमने पहला क्या डाला, कैटेगरी की बात करो, पहले मार्जिन वो तो आसान है, उसके अलावा वो किया था हमने थियोरिटिकल फ्यूचर प्राइस और आर्बिट्रेज, उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ना बीटा मैनेजमेंट, ये थोड़ा अच्छा, और कमोडिटी फ्यूचर से आता नहीं है तो खत्म नहीं यार, इतना ही तो है डेरी, क्यों डर रहे हो जाएगा आराम से, कल मैं आऊंगा, आज तो नहीं आ पाऊंगा क्योंकि यार आज तो मैं बहुत लेट हो गया, अभी रिकॉर्डिंग ही चल रही है, पता नहीं कब तक होगा, काम का भी मालूम है कितना बज रहा है, 7:30 बज रहा है और रिकॉर्डिंग ही चल रहा है, तो आज क्लास डाउट्स के लिए तो नहीं आ पाऊंगा, और क्लास ही नहीं हुई तो डाउट्स कहां से, आज रात में देखो वीडियो, कल पूरा दिन भर देखोगे, कल शाम को 7-8 बजे के आसपास आ जाएगा आपको नोटिफिकेशन, मैं लाइव आऊंगा, कुछ बच्चों का कहना कि सर हमें जूम में चाहिए, तो उस मैटर पे भी बात करेंगे, जूम में भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, मैं अपने डिपार्टमेंट से बात करूंगा, कल शाम की मैं बात करूंगा, टेस्ट पेपर मैं तैयार कर लेता हूँ, कल दिन का मैं का टाइम, और मैं आपको टेस्ट पेपर भी अपलोड कर दूंगा, साथ में कल जब मैं लाइव आऊंगा तो आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का PDF भी अपलोड कर दूंगा, कल तो आज ही कर देता हूँ, आज ही कर देता हूँ इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का, ताकि कल आप प्रिंट आउट निकल, बच्चे बोल रहे सर एक साथ प्रिंट आउट के लिए आप दे दीजिए ना PDF, मैं दे सकता नहीं यार, धीरे धीरे तैयार हो रहा, कभी कभी मुझे अब ऐसा लग रहा कि यार ये क्वेश्चन भी डाल देना चाहिए, तो कल क्लास नहीं होगी, आज मैं अपलोड कर दे रहा हूं, कल सिर्फ मैं लाइव डाउट्स डिस्कस करूंगा, मैं फिर से आपको बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि डाउट्स मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, जो मुझे डिस्कशन करना स्पेशली डेरिवेटिव, तो मुझे डाउट्स डिस्कस करने में ज्यादा समस्या नहीं, और परसों जो है सुबह वो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट छोटा चैप्टर, इसलिए उसको हम पार्ट में नहीं करेंगे, उसको एक ही बार में करेंगे, फॉरेक्स हमको दो पार्ट में करना, बाकी फिर देखते ठीक हो जाएगा, 6 बोला हूँ 7-8-10 से पहले पहले तो सब मुझे करना पड़ेगा क्योंकि 11 तारीख से मेरी नहीं बैच, थैंक यू सो मच।
मैंने करवा लिया, मैं नहीं जानता कि यार, क्योंकि इतने कम समय में बहुत मुश्किल है पढ़ाना, पर ठीक है, याद आ गई होगी तो बहुत अच्छी बात है। डाउट्स होगा, अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन को आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो उसका लिंक मैं दे दूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे सारे क्वेश्चन यूट्यूब में डले हुए हैं डिटेल में। जो क्वेश्चन मैंने 5 मिनट 10 मिनट में करवाया वो 2 घंटे में डले हुए हैं, अगर डिटेल में कर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, बाय बाय।